Seconds we begin with this topic. आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित रूप से आज का ये विषय बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत सारे इस विषय के ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं, क्योंकि पिछले लगभग 100 सालों से जिस तरह से इस विषय के ऊपर कई प्रकार के आवरण चढ़ा दिए गए हैं, उनको निकालना, उनको तोड़ना, उनके भीतर से सत्य को निकालना अपने आप में एक बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य है। और इस विषय को चुनौती के रूप में लेने के लिए जो साहस अपेक्षित होता है, वो हमारे आज के मुख्य वक्ता ने इसे स्वीकार किया है और अपने कई वर्षों की मेहनत से जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं श्री मनोज सिंह जी ने, वो आज हमारे साथ इस विषय में वो हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन इस विषय के बारे में मैं आप लोगों के साथ इससे पूर्व की मुख्य वक्ता से मैं आप लोगों का परिचय कराऊं और उनको आमंत्रित करूं कि वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें। इस विषय के बारे में कुछ बातें मैं अपनी ओर से साझा करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम कभी कोई वेबिनार करते हैं, कोई ज्ञान चर्चा आरंभ करते हैं, तो निश्चित ही इतना उसका एक पृष्ठभूमि में यह होता है कि इतना तो हम जानते हैं, इससे अधिक जानने की हमारी अपेक्षा है। दो पक्षी होते हैं, एक तो ये कि हम विषय के बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसको हम वक्ता के आगे रखें और फिर उनसे हम पूछें कि इससे आगे की जानकारी आप हमें उपलब्ध कराएं। दूसरा पक्ष ये होता है कि हम केवल इन कुछ एक प्रश्न जो हमारे हमें पीड़ित करते रहे हैं, आंदोलित करते हैं, आलोड़ित करते हैं, उन प्रश्नों को हम वक्ता के सामने रखें और उनसे हम जानने का प्रयास करें कि वो हमें नई दिशाएं क्या दे सकते हैं, हमें कौन से मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। और भारत में ये प्रश्न करना तो बहुत आवश्यक इसलिए हो जाता है कि इसकी इतनी सुदीर्घ परंपरा है जिसे थोड़े से समय में बांधना बड़ा मुश्किल है और पूरे का पूरा समझ पाना तो हमारे लिए संभव है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह की हमें शिक्षा दे दी गई है, जिस तरह के हमें प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहां पर पूरी भारतीयता को समझना तो और भी दुष्कर कार्य है। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से किसी एक व्यापक स्तर पर पहुंच पाएंगे, हमारी दृष्टि व्यापक होगी। और क्योंकि आज का ये विषय, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है और इसके ऊपर बहुत सारे आवरण चढ़े हुए हैं, तो मैं इसका एक पक्ष आप लोगों के साथ साझा करता हूं, व्यापक पक्ष रखना चाहूंगा और फिर हम निश्चित पक्ष की ओर आएंगे, क्योंकि व्यापक दृष्टि से जब आप निश्चितता की ओर अग्रसर होते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमें मार्ग ज्यादा सुगम हो जाएगा, अन्यथा फिर वही इंफॉर्मेशन की तरह रह जाएगा कि टुकड़े टुकड़े हमारे हाथ आएंगे और हमें जोड़ने की कला उसमें नहीं आएगी, हमें सिंथेसाइज करना नहीं आएगा कि किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज में समाहित करें, उसका समन्वय करें। तो आप लोगों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत में एक मंत्र लेना चाहता हूं। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको 2000 साल पुराना मानना चाहते हैं, आप 5000 मानना चाहते हैं या 10000, ये आपकी अपनी इच्छा पर है, जैसा जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा जाना होगा। लेकिन उन ऐसे लोगों के बारे में जो हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि बड़े पिछड़े लोग थे और बिल्कुल ही विकसित लोग नहीं थे, उन लोगों के बारे में एक मंत्र से इस बात को हम आरंभ कर रहे हैं ताकि वो व्यापक दृष्टिकोण हमारे पास हो, जिस वजह से हमने इस परिचर्चा को आरंभ किया है, इस विषय को लिया है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपसेदु अग्रहे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मै देव उपसम नमन्तो। अथर्ववेद का ये एक मंत्र है, बड़ा सरल सा मंत्र है। स्वर्विदः, हो सकता है संस्कृत ना भी आती हो, लेकिन उस शब्दों को सुन लें और उसके अर्थ को जान लीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी ओपिनियन जो है उस विषय में बनाएं। स्वर्विदः की स्वर को जानने वाले, भूर्भुवस्वः जो मंत्र आप अक्सर पढ़ते हैं, या आप इसको स्वर्ग भी अर्थ कर सकते हैं,
उसको जानने वाले जो ऋषिया था, ऋषि लोग थे, भद्रम इच्छनता, कल्याण की इच्छा करते हुए, जैसे आज वेलबींग कहा जाता है, उस कल्याण की इच्छा से तपो उन्होंने तप और दीक्षा को आगे करके कार्य किया। और फिर उससे क्या हुआ, जब उन्होंने दीक्षा और तप और दीक्षा को प्राप्त किया, तप किया और दीक्षा को प्राप्त किया, तो उससे क्या हुआ, राष्ट्र बल और ओज, ये तीन चीजें उत्पन्न हुई। ऐसे उस राष्ट्र बल और ओज को प्राप्त करने के लिए देवता जो हैं वो हमारे नमस्कार को स्वीकार करें। तो इसका मतलब है कि वो जो पुराने पिछड़े हुए लोग थे, उनके पास कहीं एक राष्ट्र शब्द था, एक राष्ट्र की परिकल्पना भी रही होगी। और उस पृष्ठभूमि में मैं आप लोगों के साथ कुछ एक प्रश्न साझे कर रहा हूं कि क्या है राष्ट्र, किसे कहते हैं राष्ट्र, और कैसे बनता है राष्ट्र, राष्ट्र और कौन होते हैं राष्ट्रजन, इस राष्ट्र की संस्कृति की संज्ञा क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब आप आगे के स्लाइड्स देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये प्रश्न क्यों इस तरह से महत्वपूर्ण हो गया। किस जन समूह के तप त्याग श्रम साधना से, किन लोगों की प्रेरणा प्रज्ञा प्रेरणा अनुभूतियों और आकांक्षाओं से भारत राष्ट्र बना है। क्योंकि संविधान में आप राष्ट्र मान लिया गया है, लेकिन राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी गलती संविधान से हुई है कि अगर वो परिभाषित करते तो आज हमें इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती जो आज भारत के सामने खड़ी हो रही हैं, कि इस भारत को हम परिभाषित नहीं कर पा रहे। अब आप सीधे इस जो प्रश्नों की पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में इस चीज को देखिए कि ये एक कष्ट क्या है। जब आप आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं और आर्य इतिहास पे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके केंद्र में हिंदू होता है। अब ये हिंदू क्या आर्य है, या हिंदू दास है, या हिंदू द्रविड़ है, या हिंदू अनार्य है, या ये चारों मिलके हमें हिंदू बनाते हैं कि हमारे में आर्य अनार्य भी हैं, हमारे में दास भी हैं, हम में द्रविड़ भी हैं। इतिहासकार मुझे नहीं मालूम कि कैसे इस समस्या का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई जो दूसरी समस्या है कि ये जब हम आर्य की बात कर रहे हैं और हिंदू के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपको परिभाषित कैसे करता है। नवीन जी प्लीज आप अपना शेयर मत कीजिए, स्क्रीन शेयर मत कीजिए प्लीज। आप नवीन जी प्लीज विड्रॉ कीजिए अपनी स्क्रीन को, अदरवाइज बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। तो यहां पर दूसरी जो समस्या है, सुप्रीम कोर्ट आपको कैसे परिभाषित करता है अगर आप हिंदू आर्य हैं या दास हैं, जो भी हैं, कि हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। और दूसरी तरफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसे परिभाषित करता है, हु इज नॉट मुस्लिम क्रिश्चियन ईटीसी ईटीसी। अब ये कौन से तरीके हैं किसी व्यक्तियों के समाज को, समूह को, या किसी रेस को परिभाषित करने का। निश्चित रूप से ये हमें एक मौका देता है कि हम जानें कि ये आर्य दास अनार्य द्राविड़, इनमें से किसको आप शामिल करेंगे और किसको इसमें से नहीं शामिल करेंगे, और आर्य इसमें से क्या है। अब सामान्य रूप से आप जो आर्य शब्द को जानते हैं, समझते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपनी परंपरा के शब्दों को, कोशों को, या अन्य सब चीजों को देखें, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां पर आर्य शब्द कहीं पर भी ना तो जातिवाचक है, ना वो रेस के संदर्भ में है। किन अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, वो प्रयुक्त हो रहा है पूज्य, श्रेष्ठ, धार्मिक, धर्मशील, मान्य, उदार चरित, शांत चित्त, न्याय पथावलंबी, सतत कर्तव्य कर्मानुष्ठाता। और इसकी परिभाषा उन्होंने कैसे की है कि कर्तव्यम आचरण कार्यम, की कर्तव्य का पालन करने वाला कर्तव्य का कभी आचरण नहीं करता। प्रकृताचारे तिष्ठति, प्रकृत आचार में स्थित रहने वाला स तु आर्य इति स्मृता, उसे आर्य कहते हैं। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने बताया कि हम तो आक्रमणकारी थे, हम बाहर से आए। अब मैं इन डिक्शनरी मीनिंग्स को और जो परंपरा में उपलब्ध ग्रंथ हैं उनमें इस मीनिंग को स्वीकार करूं, या वो इतिहासकारों के द्वारा बताए गए मीनिंग को स्वीकार करूं। अब यहां पर मैं आपको दो चुराई हुई
स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ, और चुराई हुई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों स्लाइड्स जो मैं अगली दिखाने जा रहा हूँ, ये प्रोफेसर राजीव लोचन जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, ये उन्होंने जब हमारे पास एक वर्कशॉप करवा रहे थे, हिस्ट्री ऑफ हिंदू राइटिंग वर्कशॉप करवा रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये स्लाइड्स दिखाई थी, जिसमें से दो स्लाइड्स मुझे लगी कि आप सबको पता होना चाहिए और विशेष रूप से जो यंगर जनरेशन अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए। आप देखिए कि हमारी जो इतिहास लिखने के जो तरीके रहे हैं वो उनकी स्वयं स्वीकृति क्या है। इरफान हबीब बड़े प्रतिष्ठित साहित्य इतिहासकार हैं भारतीय इसमें, और उनका क्या तरीका है, आप स्लाइड्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या है कि यहाँ पर हिस्ट्री जहाँ लिखा हुआ है, ओल्ड फैशन ऑफ डूइंग हिस्ट्री का क्या है, हाउ डज ए हिस्टोरियन राइट हिस्ट्री, कलेक्ट्स फैक्ट्स, चूजेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पहले तथ्यों को इकट्ठा करता है फिर उसमें से वो कुछ तथ्यों को चुन लेता है। ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन आप नीचे उनका उदाहरण दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 5,000 फैक्ट्स बिफोर मी देन आई विल चूज फ्रॉम देम से 50 फैक्ट्स दैट आर हिस्टोरिकली रेलिवेंट एंड देन कंस्ट्रक्ट माई एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दोज चूजन फैक्ट्स। इस तरह से हमारा इतिहास लिखा जाता है, लिखा गया है, ठीक है। अब ये प्रोफेसर इरफान हबीब जो बड़े ही प्रतिष्ठित इतिहासकारों में से हैं, ये हमारा इतिहास लिखने का एक तरीका है, जिसकी वजह से आज हमारी जनरेशन एक डिस्कनेक्ट का अनुभव करती है अपनी भारतीयता से, अपनी भारतीय परंपरा से। एक दूसरी और स्लाइड जो प्रोफेसर राजीव लोचन जी के प्रति सम्मान के साथ, दूसरी तरफ हरबंस मुखिया जी हैं, ये भी बड़े प्रसिद्ध और सुप्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, ये तो उनसे भी बढ़कर के अपनी बात रखते हैं। क्या कह रहे हैं वो आप देखिए कि इतिहास लिखने का क्या तरीका उनका है कि अबव ऑल हिस्टोरियन शुड एंश्योर दैट देयर एनालिसिस इज पॉलिटिकली करेक्ट। आप देखें ऐसा इतिहास लिखेंगे, ऐसा इतिहास हम इस जनरेशन को देने जा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल, जिनके कमिटमेंट कहीं और हो, पॉलिटिकल एजेंडा के साथ वो कनेक्टेड हो, वो ऑब्जेक्टिव इतिहास ना पढ़े, ये कैसा दुर्भाग्य है इस देश का। A conclusion that is not correct politically will never be a valid conclusion in history. ये उनके कही हुई बातें हैं, ये हमने अपनी ओर से नहीं कही हुई, ये एक बड़ी ही अजीब बात है। आप देखिए कि इस तरह से ये सारा इतिहास हमारे साथ लिखा है। और अपनी बात की मैं परिपुष्टि इन दो बातों से और करना चाहता हूँ कि हैंकॉक एक वेस्ट के विद्वान हैं जिन्होंने 2002 में एक पुस्तक लिखी थी, उसके 169 पेज के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, टेक्स्ट को आप साथ साथ पढ़ लीजिए, लेकिन वो क्रक्स जो उनकी बात का है कि हुआ क्या है कि जो हम लोगों ने एक्सकवेशंस की हैं, केवल एक्सकवेशन से जो कुछ हमें मिला है केवल हमने उसको स्वीकार कर लिया, जो हमारे अन्य प्रमाण थे, जो हमारा इतिहास चला आ रहा था, जो हमें पुस्तकें ग्रंथ उपलब्ध थे, उनको हमने टोटली रिजेक्ट कर दिया। और फिर उससे क्या हुआ, वेल इनटू द 20th सेंचुरी दिस अप्रोच सिंपली मेंट दैट देयर वाज नो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल पिक्चर ऑफ इंडियाज पास्ट एंड वाज नेवर इवन कंटेम्प्लेटेड। इस तरह से ये इतिहास लिखा गया, लेकिन सरकारी तौर पर प्रेशर भी मिलता रहा, एनसीईआरटी में वो पढ़ाते रहे, और मैं बड़ा हैरान हूं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स को जब मैंने पढ़ा तो देखा, और मैंने सीखा भी ये बात को, कि जो मूल ग्रंथ हैं, चाहे वो आईने अकबरी है या उससे पहले इंडिका है, मेगस्थनीज की, ह्यून सांग के हैं, वास्को डिगामा की डायरीज हैं, अगर उसको अगर आप देखें तो वो इतिहास की एक बिल्कुल ही अलग पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ाई जाती है, जहां पे केवल और केवल दो चीजों के ऊपर फोकस है कि कैसे ब्राह्मणों ने इस देश का शोषण किया और किस तरह से जो है वो पिछड़ा हुआ इस देश को रखा गया। और जबकि वास्को डिगामा क्या लिख रहा है, आपका आईने अकबरी में क्या लिखा हुआ है, आपके इंडिका में आपके क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ही भिन्न भिन्न चीजें हैं। लेकिन चलिए अभी हम इस चीज में नहीं जा रहे हैं,
क्योंकि हमें मुख्य वक्ता की थोड़ी सी अपनी बात का और समर्थन लेते हुए करते हुए ताकि मुख्य वक्ता के लिए एक पृष्ठभूमि भी तैयार हो जाए। हम सभी जानते हैं कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर जिन्होंने वेदों का अनुवाद किया ना उनकी अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी मदर टंग नहीं थी उनकी, और संस्कृत से बिल्कुल परिचित नहीं थे, जर्मन थे मूलतः, और उन्होंने आकर के वेदों का ऐसा अर्थ कर दिया जिससे हमें ये सिद्ध हो गया कि वो केवल जो गडरिये होते थे उनके ही वो मंत्र और उनकी ही वो भाषा होती थी। क्योंकि उस इतिहास को लिखने के लिए तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी, आप स्लाइड में देखिए, मिशनरी, हिस्ट्री और एजुकेशन, इन तीनों के द्वारा इस भारत के संस्कृति के ऊपर प्रहार किया गया। और फिर उसमें आप ये रेड लाइन में नीचे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द मंत्रास प्रेजिंग इंडो आर्यन हीरोज वर एट्रीब्यूटेड टू इन्वेडिंग आर्यस, द एजेस ऑफ फोर वेदास एंड द टू एपिक्स have been shortened so as to validate the ill-founded theory of Aryan invasion of India। इस तरह से ये सारा इतिहास लिखा गया और हमारे इतिहास के जो टीचर्स हैं वो इसी तरह से पढ़ाते जा रहे हैं बिना उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, बिना उसको चुनौती दिए और बिना उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए। ऐसी सब समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए आज हम जिन वक्ता को सुनने जा रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। श्री मनोज सिंह जी जो सीनियर टेक्नोक्रेट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आजकल चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, वो अपना परिचय बहुत संक्षिप्त सा संक्षिप्त करने के लिए उनका आग्रह था तो उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं ज्यादा नहीं जाता। लेकिन साथ ही जो आप दूसरी ओर एक पिक्चर देख रहे हैं, मैं आर्यपुत्र हूं, ये उनका एक पुस्तक, नई पुस्तक आई है जिस पुस्तक में उन्होंने पूरे आर्य इतिहास को संवाद शैली में प्रस्तुत किया है। और ये संवाद उन्होंने कहाँ से पिकअप किया कि ये शैली जो उन्होंने ली है पुराणों से ली है और इस बात का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। कृपया अपना माइक म्यूट कर दीजिए, प्लीज अपना माइक म्यूट करिए जिसका भी माइक ऑन है। मेरा निवेदन है कि माइक म्यूट, प्लीज माइक म्यूट कीजिए। जी, तो उन्होंने इसमें पूरी आर्य इतिहास को लिया है, आर्य की क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है और जो इतिहास में जिन चुनौतियों से थोड़ा सा मैंने आपसे परिचय करवाया है उनको एक एक करके उन्होंने उसका खंडन भी किया है। और आर्य जो इतिहास रहा है उसको बड़े प्रामाणिक रूप से उसको प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतना निष्ठा से लिखना, इतना सूक्ष्मता से देखना और इतनी मेहनत करना ये कोई आसान कार्य नहीं है। कई वर्षों की मेहनत जो है वो हमें यहाँ देखने को मिली है उनके इस पुस्तक में। अभी मैं वो पुस्तक पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, पुस्तक ना पढ़ पाने के कारण जो है मैं पूरा कमेंट उसके ऊपर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनसे जब हम इस विषय में सुनेंगे तो आप सभी को ये दिखाई देगा कि किस तरह से ये सारी की सारी चर्चा जो है उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसके साथ ही स्लाइड आपको सर दिखाई दे रही है क्या? नहीं अभी तो नहीं दिखाई दे रही। ये फिर ये पहले दिखाई दे रही थी, ये जो अनावश्यक हिंसा जो लोग कर देते हैं ना, ये एक बड़ा कठिन कार्य कर देते हैं मेरे लिए कि अब मुझे एक पुस्तक वाली एक बार दिखाई दी थी। हाँ जी सर, मैं अब आगे आ गई जी, अब देख रहे हैं जी सर। ये बड़ी एक कठिनाई है, थोड़ी मर्यादा होती है। आनंद जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आनंद जी आपसे, हाँ जी धन्यवाद। तो मनोज जी से मैं परिचय आपका बहुत संक्षेप में करा रहा हूँ कि बेसिकली वो साइंस के पक्ष से हैं,
बीए किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर एमबीए किया, लेकिन उनकी रुचियां जो हैं वो बड़े गहन अध्ययन में हैं, अपनी रूट्स को खोजने में उनकी रुचियां रही हैं, और इस संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे जो हैं व्याख्यान विभिन्न जगहों पर, विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें दिए हैं, और साथ ही साथ सरकारी एक नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने जितनी पुस्तकें, अपना जितना साहित्यिक कर्म किया है, दार्शनिक कर्म किया है, ऐतिहासिक कर्म किया है, वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। उनकी जो पुस्तकें चंद्रकोत्सव, खंड काव्य, बंधन, कश्मकश, हॉस्टल के पन्नों से उपन्यास हैं, और व्यक्तित्व का प्रभाव, चिंता नहीं चिंतन आदि कहानी के संग्रह उपलब्ध होते हैं, स्वर्ग यात्रा, कश्मीर से लद्दाख तक की यात्रा आदि, इस तरह के उनकी पुस्तकें हैं। और एक जो पुस्तक मैंने उनकी पहले पढ़ी, वैदिक सनातन हिंदुत्व, ये भी बड़ी प्रभावी उनकी पुस्तक रही है, और आज जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में अभी जो आई है, लेटेस्ट अभी जो लॉन्च हुई है, उस पुस्तक के बारे में, मैं आर्यपुत्र हूँ, उसके आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और पुस्तक के माध्यम से उन ऐतिहासिक तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या प्रमाणिक है, क्या अप्रमाणिक है, और कैसे नैरेटिव को डिजाइन किया गया है हमारे ही विरुद्ध। और एक दो बातें और कहकर के मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुख्य वक्ता को मंच पर, कि उनकी ये एक टिप्पणी आप देखिए कि कितनी गहरी एक पीड़ा रही होगी, कि जिसकी वजह से उन्हें इतनी मेहनत उन्होंने की है और उन तथ्यों को हमारे सामने लाए हैं, कि आज मैं आर्य पुत्र तो हूँ, आर्यों का वंशज भी हूँ, लेकिन अगर कलियुग में आर्य नहीं हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं श्रेष्ठ नहीं। कितनी स्पष्टता से वो स्वीकृति दे रहे हैं कि न तो ये जाति से संबंधित है, न किसी रेस से संबंधित है, न किसी कास्ट से संबंधित है, फिर भी उस आर्य को हमने क्यों ऐसा बना दिया कि आर्य जो है वो केवल आक्रमणकारी हो सकते थे और दूसरों का दमन करने वाले ही हो सकते थे। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा लेकिन आप पढ़ सकते हैं। तो उनकी जो पीड़ा का अंतिम पंक्ति मैं पढ़ देता हूँ, साझी कर लेता हूँ आपसे, जब वैदिक महान ग्रंथों के पन्नों को पलटता हूं तो विश्वास नहीं होता कि मेरे पूर्वज इतने महान थे, लेकिन हमारे इतिहास में जो कुछ हमें पढ़ाया गया उसमें तो हमें कभी महान होने का, अपने पूर्वजों पे फख्र करने का, गर्व करने का तो कभी एक मौका ही नहीं मिला। कभी उन्होंने इतिहास में ये पढ़ाया नहीं गया कि हमें अपने पूर्वजों पे गर्व करना चाहिए। उनकी इस पुस्तक में आप देख सकते हैं 17 उसमें चैप्टर हैं, और आपको ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो किस रूप में मिलते हैं, संवाद शैली में, आर्य और आर्या, आर्या और अनार्या के प्रसंग में जितनी भी चर्चाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और इन्हीं शब्दों के साथ उनको आमंत्रित करने से पूर्व एक बार प्लीज अपना माइक डिंपल जी म्यूट कीजिए, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। मैं आप लोगों को सभी को आज शिक्षक दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं, डॉक्टर राधा कृष्णन जी के उपलक्ष्य में, उनके सम्मान में आज का ये दिवस होता है। आप सभी लोग ज्ञान के पिपासु हैं, ज्ञान के प्रति आप लोगों की निष्ठा है, उस निष्ठा के प्रति मैं आप सब के लिए शुभकामना देता हूं इस शिक्षक दिवस पर, और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के मुख्य वक्ता श्री मनोज सिंह जी को कि वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें। श्री मनोज सिंह जी, प्रणाम सभी को, प्रोफेसर साहब धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं पूर्णतः अज्ञानी व्यक्ति हूं और संस्कृत को मैं बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता हूं और इतिहास मेरा विषय कभी भी नहीं रहा। ये स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बाद शायद आप मुझे कई क्षेत्रों में अगर मुझसे कहीं चूक रह जाती होगी तो आप मुझे इस कमी को समझ सकेंगे, और ये स्पष्ट करने का कारण भी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। एक बात तो स्पष्ट है कि अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो आप सभी लोग रामायण कथा से और महाभारत कथा से परिचित होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने रामायण और महाभारत कथा कितनों ने पढ़ी है तो शायद परसेंटेज काफी सिंगल डिजिट पे पहुंच जाएगा, और कितनों ने उस पर अध्ययन किया है तो शायद वो पॉइंट पे चला जाएगा। पर यही बात ऋषियों को पता थी हमारे, वो इतने ज्ञानी थे कि कथा को उन्होंने अपनी शैली बनाया,
कि बिना पढ़े हुए भी हजारों हजार साल तक, लाखों साल मुझे कहना चाहिए, कि वो कथाएं जन प्रचलित होती हुई अब तक आती रही। एक कार्य उन्होंने और किया कि रामायण और महाभारत को अगर हम ध्यान से विश्लेषित करें तो हम ये पाएंगे कि उसमें वैदिक ज्ञान भी है। जैसे गीता को समझना जितना कठिन हो जाता है, लेकिन अगर हम महाभारत को समझे पढ़ें तो फिर हमें वो गीता का ज्ञान कथा रूप में आता है। तो यहाँ इस कथा की व्याख्या करने के पीछे दो कारण है। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि पुस्तक को मैंने कथा शैली में लिखा, उसका यही कारण था, और यहाँ मेरा वक्तव्य भी कथा शैली में ही होगा, या कथा शैली में ही मैं बात कर रहा हूँ, जिससे कि आप तक ये इतिहास का जो बोझिल शब्द है, सब्जेक्ट है, नीरस है, उसे रसपूर्ण बनाया जा सके। हम इसे इतिहास से दूर तो बहुत रहते हैं, लेकिन इस इतिहास का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। इतनी सारे उसके राजनैतिक, सामाजिक, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और हम उसी इतिहास से दूर रहते हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने दो उदाहरण भी दिए कि जिस तरह का इतिहास परोसा गया, उसके बाद हमने उसको चाहा नहीं कभी भी कि उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से जान पाए, लेकिन मन में कहीं बेचैनी रहती थी कि ये इतिहास कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो आप हैं वो पढ़ने में नहीं आ रहा, और जो पढ़ाया जा रहा है हमें वो हम हैं नहीं। तो ये कसमकस हमेशा बनी रहती थी और बनी रहती है। यही कसमकस मुझ में भी थी। अब मैं ये कथा, इस पुस्तक को लिखने के लिए कहां से प्रेरित हुआ, वहां से प्रारंभ करूं, उसके पूर्व में आपको 5 प्रश्न बताना चाहूंगा। अभी मेरी अमेजोन पे जो पुस्तक है वो अंग्रेजियों के बीच में वन ऑफ द बेस्ट सेलर चल रही है इस वक्त, और बड़े बड़े महान इतिहासकारों के बीच में ये विश्व के अंदर टॉप रैंकिंग चल रही है। तो मुझे अमेजोन की तरफ से 5 छोटे सवाल पूछने का प्रयास किया गया, तो मैंने उसको बड़े संक्षिप्त में 5 प्रश्नों का उत्तर दिया, और वो इस पूरे पुस्तक के चीजों को बहुत कुछ स्पष्ट करेगी। पहला प्रश्न है कि मैं आर्यपुत्र लिखने का आपका उद्देश्य क्या? उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था कि हमारे पूर्वज आर्यों और हमारी आदि भूमि आर्यावर्त का प्रामाणिक इतिहास विश्व के सामने सरलतम और संक्षिप्त में प्रस्तुत करना, ये मेरा उद्देश्य था। मुझसे पूछा गया पुस्तक लिखने का कारण क्या था, तो इस आंसर के पीछे ही सारा हम आज बात करेंगे। इस झूठ को जड़ से खत्म करना कि आर्य भारी थे, यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह विश्व इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। फिर पूछा गया पुस्तक में दिए गए तथ्यों का प्रमाण क्या है, मैंने कहा वेद, वेद से बड़े कोई प्रमाण हो नहीं सकते। पुस्तक की विशेषता क्या है, तो मैंने उसमें यही कहा कि पुस्तक की विशेषता है ये कथात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें आर्य और आर्या अपनी आत्मकथा विवेचना के साथ वार्तालाप करते हुए सुनाते हैं। फिर अंतिम में ये पूछा उन्होंने मुझसे कि पुस्तक क्यों पढ़ी जानी चाहिए, तो मैंने बड़ा स्पष्ट किया कि आज की जनरेशन अनावश्यक जो भ्रम है वो दूर हो सके, और विश्व इतिहास के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विश्व इतिहास के साथ साथ हम मानव विकास के क्रम को भी समझ सकेंगे। इस ऐसी मेरी मेरा ऐसा मेरा भावना डेवलप हुई है, ऐसी मेरी मेरी जो समझ डेवलप हुई है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं 2 शब्दों का, जो बड़ा इतना गहरा है कि उसके ऊपर स्वयं शायद मैं समझता हूं पूरी ग्रंथ लिखी जा सकती है। वह नेति नेति, कुछ भी अंतिम नहीं है, अंतिम सत्य भी कभी भी नहीं होता। अगर कोई आपने अंतिम सत्य मान लिया तो आप समझ लीजिए कि फिर आप वेद को नहीं समझ पा रहे। वेद पहले कहता है कि मैं यहां तक तो मैं समझा पा रहा हूं, वो तो लिख है, आप जितना समझ पा रहे हो यहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसके आगे के समझने का प्रयास आपको करना है। तो ये आपको अपने आप से ढूंढना है कि सत्य क्या है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको स्पष्ट करूं कि वेद को जब मैं मेरे सामने चारों तरफ जो है इस वक्त मैं पुस्तकों के ढेर में ही बैठा रहता हूं, तो जब मैं लेफ्ट में जाता हूं तो श्रीराम शर्मा जी दिखाई देते हैं ऋग्वेद के, राइट में रखा हुआ है मैंने दयानंद सरस्वती जी को, और पीछे सातवलकर जी को रखा हुआ है, फिर सामने यहाँ जो है आचार्य सायन साहब का भी है व्याख्या। सबकी व्याख्या डिफरेंट डिफरेंट है, प्रस्तुतिकरण भी डिफरेंट है, अर्थ भी कई जगह अलग है। हम क्या कह सकते हैं कि वेद अलग अलग है? नहीं,
जैसे दयानंद सरस्वती अगर आध्यात्मिक बहुत चले जाते हैं तो श्री राम शर्मा जी बहुत सरलतम रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने उंगली श्री राम शर्मा जी की पकड़ी और आगे बढ़ता गया। आशुतोष जी से मैं एक बार बात कर रहा था, मैंने कहा मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, उनके मुख से एक शब्द निकला जो मुझे आज भी याद है कि संभावना वही होती है जहाँ अज्ञानी हो व्यक्ति, क्योंकि और बात तो सही है। तो हुआ यूं कि मैं उस वक्त कश्मीर में पदस्थ था, मैं अपने जॉब के बारे में इसलिए बात नहीं करता कि उसका कोई फायदा नहीं है, मैं उसके द्वारा पहचाना नहीं जाना चाहता और मैं चाहता हूं कि मेरे लेखन के द्वारा आप उसका आनंद लें, लेखन के द्वारा भी लेखक को ना पहचाने, उस लेखन को पहचाने कि वो है क्या। जब मैं कश्मीर में पदस्थ था तो श्रीनगर से जो द्रास और कारगिल होते हुए लद्दाख बड़े अफसर कभी भी बाय रोड नहीं जाते जनरली, क्योंकि काफी बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। लेकिन मैं एक दो बार ऐसे गया तो मुझे पता ही नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति मेरे साथ ट्रेवल कर रही है, सिंधु नदी आती है बीच में। उस वक्त मैं पुस्तक लिख रहा था स्वर्ग यात्रा, श्रीनगर से लद्दाख की यात्रा। तो उस समय तक मैं उपन्यास लिखा करता था और इतिहास का मुझे इंटरेस्ट जरूर था। जब मैं कारगिल से आगे सिंधु नदी के बागल बगल में चला, मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे मेरे अंदर कोई चीज आ रही है जो मुझे बेचैन कर रही है। उसमें उस वक्त मेरे एक शब्द निकले कि श्रीनगर अगर सुंदर हो सकता है तो जो लद्दाख है वो दिव्य है। ये जो दिव्यता है, उस दिव्यता ने मुझे प्रेरित किया। उस सिंधु नदी के किनारे किनारे मुझे लगा कि सिंधु नदी के स्रोत से मुझे वेद के बारे में जानना चाहिए और मैं वहां से प्रेरित हुआ। अगर आप मेरी स्वर्ग यात्रा की पढ़े तो उसका अंतिम पृष्ठ पे मैंने यही छोड़ा है कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। मैं आर्यों के बारे में, जो इतिहास के बारे में मुझे बताया गया था, उसके बारे में मैं सुन सुन के बेचैन होता था। फिर मैंने वहां से उस पृष्ठभूमि को पढ़ना प्रारंभ किया और 5-7 साल से मैं यही अध्ययन कर रहा था। बीच में मैंने वैदिक सनातन हिंदुत्व पुस्तक लिखी, वो उसका बेसिक था। तो मैं आर्य पुत्र हूँ लिखने के लिए जब मैंने अध्ययन करना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम मैंने श्री राम शर्मा जी को उनके वैदिक जो भाष्य है ऋग्वेद का 4 खंडों में है को पढ़ना प्रारंभ किया। मैं उसको बहुत एकेडमिक नहीं बनाना चाहूंगा अपने इस लेक्चर को, और उसका कारण है कि हम जब तक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, दिलचस्पी क्रिएट करेंगे, तो बाकी जो आपको संदर्भ चाहिए, वेदक ऋचाओं के और ऋषियों के नाम चाहिए, वो पुस्तक में उपलब्ध है। मैं तो आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क इस 30 मिनट में बता सकता हूँ, क्योंकि 300 पेज में मैं समेट नहीं पाया। हजारों साल का इतिहास है और जबरदस्त इतिहास है, गहन इतिहास है। तो श्री राम शर्मा जी को मैंने पढ़ना आरंभ किया। उसके बाद मैंने आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी का वेद, जो ऋग्वेद का भाष्य है, वो बहुत ही बृहद है, वो समझ लीजिए क्विंटल में है, वो तो वो 2 खंडों में है, उसको फिर मैंने अध्ययन प्रारंभ किया। तो मेरा बेसिक तो यही था कि ये बाहर आक्रमणकारी कैसे हो सकते हैं। पहले ही पृष्ठ से ये स्पष्ट होने लगता है कि ये जिस भी आदमी ने, ये व्यक्ति ने, जिन ज्ञानियों ने ये लिखी है पुस्तक, वो कम से कम बाहरी तो नहीं हो सकते। क्योंकि जो सिंधु घाटी के किनारे किनारे में जब कारगिल में ट्रेवल करता था तो जो लिखने वाला व्यक्ति है वो यकीनन विश्वास हो जाता था कि वो इसी भूमि से संबंधित है। उसके सरलतम रूप को मैं देखने लगा था। तो फिर मैंने उस सरल तर्क प्रस्तुत करके अपने आप से बात करना प्रारंभ किया। और मैं आपको ये स्पष्ट करूं कि जब मैंने सरल प्रश्न पूछने लगे अपने आप से तो उसके आंसर मुझे मिलने लगे। हम जनरली क्या होता है कि हमारे पास चारों तरफ इतने भ्रम पैदा कर दिए गए कि हम उनको कठिन रूप में ही आंसर देना चाहते हैं और वहीं हमारी बात बिगड़ जाती है। हम सरलतम क्वेश्चन करें तो सरलतम आंसर हमें मिलने लगेंगे। क्या यह संभव है कि ऋग्वेद लिखने वाले ऋषि बाहरी हो सकते हैं? पहला प्रश्न मेरे मन में एकदम आया कि क्या ये लिखने वाले लोग बाहरी हो सकते हैं। बस यहीं से प्रश्न स्टार्ट हुआ और मैंने उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया कि सारा वेद के अंदर जितनी भी प्रस्तुतिकरण है, जो भी व्याख्या है, जो भी चीज है, माफ कीजिएगा मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने से मेरा चिंतन थोड़ा सा व्यतीत हो जाएगा। अगर आप माइक ऑफ रखें तो मुझे बड़ी कृपा रहेगी आप सबकी। तो मैं कह रहा था हाँ कि उस वेद को जब पढ़ना मैंने, वेद देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत क्लिष्ट लगता है पहली बार आप जब उसको पढ़ते हैं तो, लेकिन चूंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम उसके द्वारा धीरे धीरे प्रवेश कर सकते हैं। और हिंदी के कारण 70% तो हमें वैसे ही समझ में आने लगता है, और जहां पर थोड़ी कठिनाई होती है तो हमारे पास ऐसी बड़े बड़े व्याख्याकार हैं
और बहुत गहराई में जाने के लिए अंत में निघंटू हमारे पास है, ये सब प्रस्तुतिकरण सब व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। अगर दिक्कत यह कि हमें उसे ढूंढना पड़ता है, जैसे निघंटू और निरुक्त को लेने के लिए मुझे बनारस की गलियों में घूमना पड़ा, तब जाके मुझे बहुत सारे स्पष्टीकरण मिले। तो वेद के अंदर सबसे पहला जो ये मुझे स्पष्ट हुआ कि ये व्यक्ति, ये ऋषि जिसने भी इसके दैवीय रूप में ये जो प्रस्तुत किया है, ये सभी आत्माएं परमात्माएं इसी भूमि की थे, इसी भूमि की। ऐसा कोई कारण नहीं है कि बाहर से आने वाला आदमी जिसके पास संस्कृत जैसी रिच लैंग्वेज हो, यहां आकर गंगा और सिंधु का स्तुति गान करने लगे। मैंने उसके छोटे छोटे उदाहरण दिए, आज के रूप में आप देख लीजिए, क्या अंग्रेज इंग्लैंड से आने के बाद क्या वो अपने लंदन को भूल गए? क्या वो आज कोई क्राइस्ट क्रिश्चियन क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन मानने वाले क्या बाइबिल को छोड़ देते हैं? क्या भारत का स्तुतिगान प्रारंभ कर देते हैं? क्या सिंधु का नमन करने लगते हैं? बड़े सरल सवाल हैं। जो जो मोहम्मद साहब को मानते हैं वो जरूरी यकीनन मक्का की तरफ देखते हैं, और देखना भी चाहिए, उनका ये उसका स्पष्ट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जो बाहर से आ रहा है वो बाहर की अपनी मातृभूमि को छोड़कर सब कुछ भुलाकर इस देव भूमि का स्तुतिगान करने लगे? तो ये प्रश्न से मेरा इस तरह का तर्क से प्रारंभ हुआ, और फिर मैंने उसके अंदर डिटेल जाना प्रारंभ किया। तो उस डिटेल जाने में बहुत लंबी प्रक्रिया रही कि किसी भी पुराण में आप देखिए, कहीं भी उपनिषद में, कहीं भी किसी कथा में, किसी नृत्य में, किसी संगीत में, किसी वेद तो बहुत दूर की बात है, आप उपनिषद छोड़िए, आरण्यक छोड़िए, आप किसी भी पौराणिक कथा में कहीं से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी ये वर्णन नहीं आता कि मैं बाहर से आया हूँ, आर्य बाहर से आया हूँ। जो व्यक्ति इतना सुसंस्कृत होगा, जिसके पास संस्कृत जैसी भाषा होगी, वो अपनी मातृभूमि को इतना भुला देगा, मतलब ही नहीं है। तो ये ऐसे छोटे से सवाल थे कि कहीं पर भी आपको आर्य भारी थे इसका कहीं वर्णन नहीं आता। तो मैंने कहा अगर मैं अपनी पूरी पुस्तक को सिर्फ इसी इसी संदर्भ में बना दूंगा तो ये एक सीमित सोच हो जाएगी। तो इसीलिए अंत में होते होते ये हुआ कि ये इस आक्रमणकारी थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ एक अध्याय रहा जिसमें मैंने सारे प्रमाण दिए हैं, मगर सारा बाकी जो है वो इतिहास है पूरा कि एक्चुअली में क्या हुआ उसका मैं थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण करूंगा। लेकिन वो आर्य आक्रमण थ्योरी को खत्म करने के लिए मैं दो तीन छोटे छोटे आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जिससे कि आप यहां से खाली हाथ ना जाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि 10.75.5 एक मंत्र है ऋग्वेद का, जिस जो नदी सूक्त का एक मंत्र है, जिसमें गंगा से स्तुति गान प्रारंभ होकर लास्ट में सुसोमा वर्ड आता है। तो सारी नदियां हैं, बीच में गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सब कुछ है। तो मेरे मन सभी जब मैं श्रीराम शर्मा जी को पढ़ा तो उन्होंने सुसोमा को जो है एक नदी के रूप में प्रस्तुत किया है कि पश्चिम में एक नदी है। दयानंद सरस्वती जी क्योंकि आध्यात्मिक व्याख्या में, तो उस नदी की व्याख्या में आध्यात्मिक चले आते हैं, और साइंस आपको जब मैंने पढ़ा तो वहां भी सुसोमा का वही वर्णन है। मैं थोड़ा बेचैन हुआ, बहुत दिनों तक बेचैन रहा मैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऋग्वेद के इतने जबरदस्त ज्ञानी जिनके पास फिजिक्स की ब्लैक होल थ्योरी तक की पूरा प्रस्तुतिकरण है, मैं उसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा, पूरी साइंस उन्होंने पूरी की पूरी व्याख्या कर दी है, जब वो आदमी सात सप्त सिंधु की वर्णन कर रहे हैं तो सिंधु को कैसे छोड़ देंगे? इस मंत्र में सिंधु क्यों नहीं आया हुआ है? इस शब्द ने, इस परेशानी ने मुझे बहुत दिनों तक बेचैन रखा। विज्ञान का छात्र हूं इसलिए नहीं, ये एक क्वेश्चन अपने आप से करता रहा। अंत में जाकर कई महीनों और कई बार ढूंढने के बाद यास्क की व्याख्या में मुझे ये प्राप्त हुआ कि सुसोमा ही सिंधु है। सिंधु का एक नया नाम सुसोमा भी उस समय में था, क्योंकि सुसोमा पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। अब आप देखिए कि जो जो व्याख्याकार गंगा से स्टार्ट होकर सिंधु तक का स्तुति गान कर रहा है वो बाहरी कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं। एक दूसरा मंत्र में आपको उदाहरण देना चाहूंगा, यहाँ पर एक हरी यूपिया में एक युद्ध का वर्णन है 6.75.5 में। ऋषि भरद्वाज कहते हैं कि हरी यूपिया नगर में आक्रमण होता है। अब ये हरी यूपिया नगर में आक्रमण होता है तो ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि अनार्य जो है उसके ऊपर आर्यों का आक्रमण हुआ। अब ये देखिए कितना झूठ भी कितनी सफेदी से बोल दिया जाता है। अब श्रीमान जी जो आक्रमण हुआ है, जो राजा है वहां का, वो राजा है
आपका वैदिक राजा चायमान के पुत्र अभ्यावर्ती हैं। अभी तो पूरी उल्टी बता दी गई। अब जो जो हरि हरिउपिया नगर का जो राजा स्वयं आर्य है, वो आक्रमणकारी कैसे हो गया भाई? वो तो वहां का राजा है, इसका मतलब वो तो स्थानीय हुआ ना। सरल सा सवाल है, कठिन जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं। जिसके ऊपर आक्रमण हो रहा है वो आक्रमणकारी तो नहीं हो सकता ना, वो तो वहां का स्थानीय हो गया। तो ये पहला बात तो यही स्पष्ट हो जाता है छोटी सी बात से। अब दूसरी बात ये कि आक्रमण कौन कर रहा है, तो आक्रमण कर रहे हैं साहब जो है कि वर्षिक नाम के असुर के पुत्र रचिमान कर रहे हैं। अब इसको वेद असुर कह रहा है, तो फिर ये असुर कौन है? फिर यहां से क्वेश्चन हो जाता है कि कहीं ऐसा डाउट तो नहीं है। मैंने सिरे से खत्म करने के लिए इसके और विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम असुर कह रहे हैं वही आक्रमणकारी बाहर का हो, वही उसके साथ वेद हो आर्यों का सिंबल जुड़ा हो। तो फिर मैंने जब उसके ऊपर विस्तृत व्याख्या देखी तो एक पॉइंट मुझे नजर आया, जिसमें देखिए ऋग्वेदिक ने किस तरीके से उसको व्याख्या की है। कहते हैं हरि यूपिया नगर के पूर्वी भाग में युद्ध होता है। अब मैंने बहुत छोटे छोटे डिटेल से उसको निगेट किया है। हरि यूपिया नगर के पूर्वी भाग में युद्ध का युद्ध होता है और आक्रमण पूर्वी भाग से होता है। अब आप थोड़ा अपने आप को कल्पना कीजिए आंखें बंद करके कि हरि यूपिया नगर जो है भारत के पश्चिम में है, सिंधु नदी के तट पर है। उसको उस जमाने में यव्यायति नदी कहते थे, उसका ब्रांच थी, उस नदी के तट पे है। ठीक है, अब उस नदी के तट पर अगर किसी नगर पर आक्रमण पूर्व से हो रहा है तो जो पूर्व वाला आदमी है वो तो अंदर के ही हुआ ना, क्योंकि अगर बाहरी आदमी आक्रमण करेगा तो पश्चिम से आक्रमण करेगा किसी नगर के, एक सरलतम बात है। तो युद्ध उस नगर में पूर्वी भाग से हो रहा है, इसका मतलब है जो असुर था वो भी यहीं का था और राजा तो स्थानीय हो गई होगा। तो अब देखिए इस छोटी सी बात से भरद्वाज ऋषि जी ने स्पष्ट रूप से पूर्वी भाग का वर्णन है कि पूर्वी भाग में युद्ध में उस असुर राजा को जो है वो जो वैदिक राजा है युद्ध में उनको मारते हैं और इंद्र उनका उनका सहायता करते हैं। तो ये एक प्रतीक होते हैं सब। लेकिन अब ये जो राजा का वर्णन है, ये वंशावली है, ये घटनाक्रम है, ये भौतिक और भौगोलिक प्रस्तुतिकरण है, क्या ये इतिहास नहीं है? क्या इसे इतिहास नहीं माना जाना चाहिए? क्या इतिहास वही माना जाना चाहिए जो पिछले 200-400 सालों के अंदर कागज पेन से कुछ लोगों ने लिखा है? अगर सिर्फ कागज पेन से लिखने वाला ही इतिहास माना जाना चाहिए तो वैदिक काल में तो ये कागज पेन वाले लोग तब भी नहीं थे, तो उनकी बात को हम क्यों माने? भाई कागज पेन तो उस समय इनके पास नहीं था ना, और ये खुद भी नहीं खड़े थे, तो उस समय की हम बातों को किससे मानेंगे? तो हमारे पास आधार यही कि वेद है, और वेद को ये नकार नहीं सकते और नकार नहीं पाए, यही इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। और वेद के साथ आर्य जुड़ा हुआ है। अब जब वेद को छोड़ जब जुड़ जाता है तो ये प्रश्न अजीब अजीब करते हैं। मैं इनके नाम लेकर उनको और प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता, इसलिए नामों से बचता हूं। लेकिन कई जगह आप मुझे बताइए कि जब उनको देखते हैं कि वेद का अध्ययन करते के साथ ही सबसे पहले सरस्वती का वर्णन आता है, तो सरस्वती को कई बार नेगेट करने के लिए कहते हैं तो सरस्वती नदी नहीं है। अजीब बात है भाई, अगर सरस्वती नदी नहीं है फिर गंगा क्या है उसके अंदर साथ में, फिर यमुना क्या है उसके साथ में, फिर सिंधु क्या है? कई बार वो प्रश्न कर देते हैं कि सिंधु जो है नदी के संदर्भ में नहीं आया। फिर अजीब सी बात होती है कि सिंधु और सिंधुएं, जहां नदियों का वर्णन है वहां सिंधुएं, मतलब सिंधु की कई ब्रांचेस हैं, तो सिंधु के सिंधुएं कर दिया, जहां सिंधु अकेली है वह सिंधु महानदी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अजीब अजीब से सवाल। अब जैसा कि बीच में प्रोफेसर साहब ने एक शब्द कहा कि एक भेड़ चलाने वाले लोग थे। अब मुझे एक चीज बताइए कि भेड़ चराने वाले लोग संस्कृत का निर्माण कर सकते हैं? संस्कृत, संस्कृति और सभ्यता और संस्कार, ये सब शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। जिनके संस्कार उच्च होंगे, संस्कृति उच्च होगी, उसी के पास तो संस्कृति संस्कृत होगा ना। जो संस्कृति के रूप में बहुत संस्कारित होगा उसी के पास तो संस्कृत हो सकता है, अन्यथा कैसे हो सकता है? किसी एक पिछड़े आदमी के पास कैसे हो सकता है? खैर, तो ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है। और फिर दूसरी बात ये कि बाहर से आक्रमणकारी करने वाला आदमी किसी नगर को ध्वस्त करके के आसपास बस जाएगा जंगलों में, वो जंगलों में तो लोग उसको मार खा जाएंगे। कोई आदमी बाहर से आने वाला तो नगर में बसता है ना। खैर, उस व्याख्या को मैं उस पर ना जाऊं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ भी बताना चाहूंगा एक छोटे से उदाहरण के साथ कि अभी एक पुस्तक और आई है शशि थरूर साहब की, वाई आई एम ए हिंदू। और वो पुस्तक मेरी नॉलेज में इसलिए आई कि मेरी पुस्तक और उनकी पुस्तक कई कैटेगरीज में टॉप सेलिंग के अंदर साथ साथ चल रही है।
मैंने कहा इस पुस्तक को अगर मैं खरीदता हूं तो इसका मतलब है कि मैं गलत वो करूंगा, तो मैंने कुछ जानकारियां प्राप्त करनी प्रारंभ की और उनकी जो प्रतिक्रियाएं अमेजोन पर कई जगह आ रही है उसको पढ़ने का शुरू, तो मुझे कई जगह पीड़ा इस तरह से हुई कि जिसके जो भ्रम फैलाया गया है कि गाय को लेकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े उसमें व्याख्यान देकर सुना है, स्टैब्लिश कर दिया। मैं आज आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैंने जितना अध्ययन किया है, अगेन वेद को कोई अंतिम नहीं कह सकता कि मैंने अंतिम समझ लिया है, नीति नीति उन्होंने पहली कह दी है कि आप आगे बढ़ो, इसके मैं यहां तक समझा रहा हूं, इसके आगे बढ़ो, पर जहां तक मैं समझ पाया हूं, सिक्स्थ मंडल जो है वेद ऋग्वेद का, वो भरद्वाज साहब का है, वो प्राचीनतम मंडलों में आता है, और भरद्वाज साहब ऋषि जो हैं, वो महाऋषि जो हैं, वो प्राचीनतम ऋषियों में आते हैं। उस वेद के उस मंडल में ही भरद्वाज साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे माता गोवे, आप मेरे घर में आइए, प्रतिष्ठित होइए और मेरा कल्याण कीजिए। आगे और बहुत सारा उसमें वर्णन है कि इंद्र को दूध दीजिए, सब ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी का जब स्तुति गान करता है तो उसकी हत्या कर सकता है क्या? एक सिंपल से सवाल पूछिए, ज्यादा ही दूर बात करने क्या हो सकते हैं। जब आपको भरद्वाज ऋषि सिक्स मंडल में ही गौ का स्तुति गान करने लगते हैं, 76 सूक्त हैं उनके ऊपर, गाय के ऊपर अकेले, जिस माता के ऊपर 76 सूक्त का स्तुति गान है, उसके ऊपर का उसकी हत्या कैसे हो सकती है? सवाल ही नहीं है। होता क्या है कि अब मैं यहां से आता हूं वेद के बारे में कि वेद एक्चुअली में है क्या। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वेद में ध्यान सरस्वती जी आध्यात्मिक क्षेत्र में चले आते हैं, श्री राम शर्मा जी बहुत प्रस्तुतिकरण उनका सरल है, सायन अलग है, यास अलग है, सातवलेकर जी का अलग है, अरविंद जी की अलग व्याख्या है, असली में सब एक है। प्रॉब्लम क्या है कि वेद कई सब्जेक्ट का कंसोलिडेशन है। वेद में इतिहास भी है, वेद में भूगोल भी है, वेद में नागरिक शास्त्र भी है, वेद में भौतिक शास्त्र भी है, रसायन शास्त्र भी है, बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री, सभी कुछ है। अब आपको उसमें से अपनी अपनी चीज उठानी है, उसमें व्यवहारिक चीज भी है, उसमें विवाह के बारे में भी है। तो जब वेद को हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअली में इसने पूरे पूरे कालखंड को प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये बताया है कि हम पूर्व में जो मेरे पूर्वज थे, जो आदि पुरुष थे, जब मैं जंगल में रहता था, जब मैं अरण्य था, इसलिए अरण्य की व्याख्या भी, अरण्य का स्तुति गान भी है, जब मैं जंगल में था, कोई भी व्यवस्था जो ऊपर से पृथ्वी में बनी होगी तो अचानक पहले दिन से ही तो ये शहर और नगर बसे नहीं होंगे। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि क्या ये ऐसा संभव है कि जैसे ही प्रकृति ने गुहा तभी से नगर बन गए होंगे? सवाल ही नहीं है। अब दूसरी बात, ये लोग कहते हैं दो चार हजार, क्या ये ब्रह्मांड में जब से पृथ्वी आई के 5-7 हजार के अंदर ही सीमित कर दिया जाएगा? आप सरल सरल सवाल पूछिए तो अपने आंसर आपको मिलने लगेंगे। तो अगर ये 2-4-5 हजार साल के अंदर ही सीमित नहीं किया सकता, लाखों साल का पृथ्वी का इतिहास है, तो 2-4 हजार साल से पहले मानव क्या कर रहा था? ये सरल सवाल अपने आप से पूछिए, आप बेचैन हो जाएंगे। जैसे ही आपको ये सवाल पूछेंगे तो आपको फिर आंसर मिलने लगेंगे कि असली में हम सब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे। एक जो स्वाभाविक जीवन था हमारा, ये जंगल में रहने का जीवन हमारा प्राकृतिक जीवन था। वहां से क्यों हम वहां से छोड़े, उसका उसका उसकी व्याख्या अगर आपको देखनी है, उस जंगल के काल को अगर आपको समझना है, उस जंगल के जीवन को समझना है, हमारे आदि पुरुष हमारे पूर्वजों के जीवन को समझना है, तो आपको महादेव शिव को देखना होगा, आपको शिव पुराण देखना होगा, शिव पुराण का अध्ययन करना होगा। इसीलिए काशी को प्राचीनतम नगरी कहा जाता है। अब मैं इसको लिंक कर रहा हूं थोड़ा सा, वेद में भी दो ही नगरों का वर्णन है, सिर्फ दो नगरों का वर्णन है, वो है काशी और एक अयोध्या। अब ये काशी का वर्णन क्यों है? अगर काशी के इतिहास में आप जाएंगे तो आप पाएंगे एक वैदिक राजा होता है देवदास, वो काशी में कई बार प्रयास करता है सभ्यता स्थापन का, सभ्यता स्थापन मतलब यज्ञ कराने का, यज्ञ एक व्यवस्था थी सभ्य बनाने के लिए, कृषि यज्ञ था। तो ये कृषि आया है, इस कृषि के, ये माफ कीजिएगा, कोई यहाँ पर मेरे स्क्रीन के सामने कोई चीज आ गई है, कोई बात। तो ये जब हम जंगल में थे तो कई कारणों से हमें एक सभ्यता, कृषि के कारण हमें सभ्यता का निर्माण करना पड़ा। ये एक बहुत लंबा इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है, यही आता है बीच में। आप देखिए वामन अवतार की वर्णन आता है, यही आप देखिए हमारा समुद्र मंथन जो है, उस समुद्र मंथन में सुर असुर की जो वर्णन आता है उसको आप बीच में लिंक कीजिए। जो मैं काशी का वर्णन कर रहा हूँ, काशी के बारे में क्या कहा जाता है कि काशी प्राचीनतम नगरी है, फिर काशी को शिव से जोड़ा जाता है,
फिर काशी के बारे में कहा जाता है काशी बहुत अल्लड़ है, अपने में रहती है, प्राचीन, मतलब आप ध्यान से देखिए काशी के जीवन में आपको एक अलग प्राचीनतम रूप आज भी दिखाई देगा, और काशी का आदमी अपनी संस्कृति को छोड़ने को तैयार नहीं है। यही आपको देवोदास के साथ होता है जब देवोदास काशी जाते हैं हजारों साल पहले। तो ये सभ्यता का निर्माण जब हो रहा था तो जो भाई हमारे उस सभ्यता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, जैसे कि गांव से जब बड़ा बेटा या छोटा बेटा शहर चला जाता है कारखाने में नौकरी करने के लिए, तो दो तीन जनरेशन के बाद जो गांव का व्यक्ति रह जाता है वो दूसरी संस्कृति का हो जाता है और शहर का व्यक्ति दूसरी संस्कृति का हो जाता है। क्या दोनों भाइयों को आप अलग अलग कह देंगे? तो ये सुर असुर का जो कंसेप्ट है बेसिकली, ये दो भाइयों का कंसेप्ट है। तभी आप देखिए भीम की शादी हिडम्बा से होती है तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इसका मतलब है मेल होता रहता था महाभारत काल में भी। तो ये दोनों दोनों भाई धीरे धीरे, इसलिए आप देखिए सुर और असुर दोनों के लिए कौन पूज्य है, अगर आप थोड़ा एक है छोटी छोटी चीजों को पकड़िए, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें, तो सुर और असुर दोनों के पूजनीय कौन है? महादेव है। तो महादेव अपने प्राचीनतम रूप में है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पूर्वजों के पूर्वज है। तो मेरी जो कथा मैं आर्यपुत्र प्रारंभ होती है वो वहां से प्रारंभ होती, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आक्रमणकारी थ्योरी को अगर नेगेट करता तो फिर वो इतिहास को काउंटर हो जाता। मैं तो उसके आगे बढ़ना चाहता था कि भाई साहब आप बताइए, मैं तो पूरा विकास क्रम आपको बता रहा हूं। तो विकास क्रम ये है कि मेरे पूर्वजों के पूर्वज, मेरे पूर्वज तो आ रहे हैं, उनके पूर्वज जो थे वो जंगल में रहते थे, वो सुर असुर के पिताजी थे, महादेव थे। मैं महादेव की संतान हूँ भाई, मैं महादेव का वंशज हूँ, और असुर मेरे कजिन ब्रदर्स हैं। तो भाई कजिन ब्रदर्स में तो आज भी झगड़ा होता है ना, महाभारत में भी हुआ है, उसमें क्या बड़ी बात है? तो हमारा संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष को क्यों नहीं करना? तो जहां तक वो गाय की बात है, तो जब जंगल में थे, हम जंगल में क्या करते थे उसके बारे में अभी वर्णन करने का क्या मतलब है? हम सभ्य जब हुए हैं, हमने गाय को जब माता माना है तभी हम सभ्य हुए। ये वेद कहता है जो गाय हमें अपने बच्चे के जैसे यशोदा के जैसे पाल रही है, मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ? अगर न्याय वो तो मेरे लिए। तो इस सब बातों को समेट के मैं आगे बढ़ा हूँ और काशी, और उसमें मैं छोटा सा लॉजिक देता हूँ। मेरी आर्या जो एक पात्र है वो आर्य से पूछती है, एक ये बहुत प्रमुख रूप से सवाल पूछा है मैंने आर्य आक्रमणकारी थ्योरी को काटने में, कि हे आर्य जब बाहरी आक्रमणकारी आता है तो पश्चिम से पूर्व की ओर आता है या बाहर से अंदर की ओर आता है या अंदर से बाहर जाता है? एक सरल सवाल पूछ रहा हूँ। तो आप भी उखड़ जाओगे मुझसे कि कैसा सवाल है, अरे भाई आक्रमणकारी आएगा घर में तो बाहर से अंदर आएगा ना, अंदर से बाहर थोड़े जाएगा। आप भी उखड़ जाओगे। तो वैसे ही मेरा वेद, मेरी पुस्तक का जो मुख्य पात्र है आर्य, वो भी उखड़ जाता है, कहता आर्य तुम कैसे सवाल पूछ रही हो, अगर आक्रमणकारी आएगा तो बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर थोड़े जाएगा। कहती आर्य, हे आर्य श्रेष्ठ, अब मेरे आगे का तर्क सुनिए। मेरी कथा तो जो है, वेद कहता है कि मैं सर्वप्रथम सरस्वती में स्थापित हुई थी, सरस्वती में मैंने अपनी सभ्यता निर्माण किया था, और कथाक्रम छठवें मंडल से आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं सिंधु की ओर आगे बढ़ी हूँ। वो क्यों है उसका भी मैंने वर्णन किया है कि मैं सरस्वती से सिंधु क्यों आगे बढ़ी हूँ, हम आगे बढ़े उसका कारण है। और सरस्वती से सिंधु आगे बढ़ी है तो मतलब हम पूरब से पश्चिम की ओर गए हैं, अंदर से बाहर की ओर गए हैं। और मैं सरस्वती में स्थापित होने से पहले मेरे पूर्वज काशी और अयोध्या में विराजमान थे। तो हे आर्य श्रेष्ठ, मैं अंदर से बाहर गई हूं, तो ये बाहर से अंदर कैसे आ सकती हूं मैं? तो आर्य उसका आंसर देते हैं, अद्भुत अद्भुत तर्क। अब आप देखिए छोटे छोटे से सवाल मैंने आपको प्रस्तुत किया कन्वर्सेशन मोड में, कि कहीं भी आदमी बाहर से अंदर आएगा तो उसका पश्चिम से पूरब की ओर स्थापना होगा। पहले वो सिंधु में स्थापित होगा, फिर सरस्वती में स्थापित होगा, फिर गंगा में स्थापित होगा, फिर आगे बढ़ेगा। मगर ऐसा नहीं है, वो तो चेदी वंश जो है नर्मदा के किनारे के राजाओं के वंशज का भी वर्णन है वहां के छठवें सातवें मंडल में। तो आप मुझे बताइए पूरा इतिहास के पूरे राजवंशों का वर्णन भी आप नकार देंगे? तो अब सरस्वती का वर्णन, सरस्वती को नेगेट करते हैं ये। अब मुझे बताइए कि जब भरत अपनी ननिहाल से राम को मिलने के लिए अपने घर वापस अयोध्या आते हैं तो वाल्मीकि तो सरस्वती का वर्णन रामायण में भी करते हैं, इसका मतलब है कि रामायण काल तक सरस्वती विद्यमान थी। फिर महाभारत में भी सरस्वती का वर्णन आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरस्वती जो है रामायण काल से भी पूर्व में यौवन में थी, और मेरा वेद उस समय का काल के प्रस्तुतिकरण कर रहा है। तो आप ये अब समझ लीजिए कि के कालखंड को आप खुद समझ लीजिए कि कालखंड कितना पुराना हुआ हमारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से तर्क, लेकिन सिर्फ तर्कों से काम तो चल नहीं सकता। तो फिर मैंने ऋग वेदों के रेफरेंसेस भी बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको सुषुम्ना वाला तर्क दिया, अभी मैंने आपको बाहर से अंदर आने वाला तर्क दिया,
उसी तरीके से फिर मैंने ऋग्वेदों के रेफरेंस का अध्ययन कर करके उसमें प्रस्तुतिकरण किया कि जिससे कि ये लोग इसको नकार ना सके। अब इस प्रोफेसर साहब मेरा ख्याल है समय हो गया। सर प्लीज टेक 10-15 मिनट्स मोर। अच्छा तो मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं ये और आज को स्पष्ट करूं थोड़ा सा एक उसमें इम्पोर्टेंट जब सरस्वती का वर्णन आप लोगों को आनंद आ रहा है तो मतलब उंगली थम्स अप ही कर दीजिए मेरे लिए तो मुझे लग रहा है मैं शायद ठीक जा रहा हूं। नहीं नहीं बिल्कुल आनन, बहुत अच्छा आनन, बहुत बहुत आनंद आ रहा है बहुत आनंद आ रहा है और आपके कई सारे चैट में आप देख सकते हैं लेकिन फिर वो ये ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 15 मिनट्स मोर मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंट टेस्ट भी देता हूँ डिफरेंट फ्लेवर भी देता हूँ क्योंकि आजकल बहुत विज्ञान की बात बहुत होती है और मैं विज्ञान का छात्र हूं। अब तो मुझे ऐसा लगता है विज्ञान एक हास्यास्पद है और हास्यास्पद हो गए आप तो वो हास्यास्पद ये हुआ कि अब जैसे कोरोना ने तो पूरे विज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। भाई मेरे को कल्पना इस तरह से आई कि जब एक कोरोना के अंदर आप 25 दिन के अंदर लॉकडाउन हो गए आप घर के अंदर बंदी बना दिए गए ठीक है तो मेरे मन में एक फीलिंग आई आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है कि इतनी पुरानी संस्कृतियां इतनी पुराना सभ्यता इतना पुराना ज्ञान अचानक बीच में इंटरप्ट हो गया। इसको हमें कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा इस लिंक को जोड़ना पड़ेगा चिंतन करना पड़ेगा चिंतन से एक नई चीज निकलेगी। वेद आपको उंगली से पकड़ा देता है चिंतन आपको करना है वो स्वयं कहता है क्योंकि उसके हर शब्द में इतिहास है उसके हर मंत्र में पूरा के पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपको मैं हिरण बीच में छोड़ रहा हूँ कि हिरण कश्यप जी का एक मंत्र है उस जब मंत्र को मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को आंखें मेरी फट गई कि मैंने पूरे 20 साल अपने व्यर्थ किए भौतिक शास्त्र पढ़ने में उस एक मंत्र के अंदर पूरी ब्लैक होल थ्योरी है। आप यकीन नहीं करेंगे मगर वो ब्लैक होल थ्योरी है उसके अंदर कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ उसकी पूरी व्याख्या उसके अंदर जो ब्लैक होल थ्योरी आज की डेट में लोग कहते हैं। मैं तो फिजिक्स का छात्र हूं और दैवीय कृपा से अच्छा छात्र रहा हूं अच्छा भी नहीं उच्चतम माना जाता हूं क्योंकि मैं अपने स्टेट में टॉपर ऑपर भी रहा था तो मैं अपने आप को भौतिक शास्त्र बहुत मानता था। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा तो सब व्यर्थ है। बड़ा स्पष्ट वर्णन है जो फिजिक्स में उसका वर्णन है उसका स्पष्ट हिरण कश्यप जी पूर्व में कर चुके और उसकी आप खूबी देखिए उसमें उस मंत्र के अंदर देवता जो है वो क है कोई देवता का नाम नहीं है। तो मैं बड़ा चिंतन किया फिर मुझे यास्क साहब की व्याख्या से इनडायरेक्टली पता लगा कि जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ तब तक इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है तो देवता कैसे आ जाएंगे कोई देवता तो हो ही नहीं सकते इसलिए उन्होंने देवता का नाम वहां नहीं रखा। देवता शब्द का अक्षर का पहला शब्द रख दिया। ये देखिए आप उनकी आप उनका विचार किस स्तर तक जा चुके थे वो उनकी बौद्धिक स्तर की उनकी सोच देखिए उस पर्टिकुलर मंत्र के अंदर आप क्यों देवता नहीं देखेंगे क्योंकि सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ। सृष्टि का निर्माण तो बाद में हुआ ना तभी तो देवता सूर्य और ये सब लोग प्रस्तुत होंगे आप तभी तो स्तुति गान करेंगे। तो ऐसे कई सारी चीजें मुझे बीच बीच में होती थी जैसे आपने वो सूरज के सात घोड़ों का वर्णन तो सुना ही होगा वो आज घोड़े क्यों नहीं है छह भी तो हो सकते हैं आठ भी हो सकते हैं सात ही क्यों है क्योंकि फिजिक्स है भाई दैट इज अ सिंपल फिजिक्स क्योंकि क्योंकि विज्ञ और थ्योरी आप आज बता रहे हो विज्ञ और थ्योरी उनको पहले ही पता थी कि सात रंगों के किरणों से जो है वो सूर्य का प्रकाश का निर्माण हुआ है तो उन्होंने सात घोड़े बता दिए और मंत्र के द्वारा कह दिया कि हे सूर्य देवता तेरे सात घोड़ों में बैठकर तुम श्वेत रथों में बैठकर मुझ पर आते हो ये कथा रूप में उन्होंने बताया पूरी फिजिक्स पढ़ा दी आपको कि भैया सात किरणों के रथ में बैठ के श्वेत किरण वाला सूर्य जो है हम तक पहुंचता है। अब ये तो पूरी फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते आप रटाते रहते हैं कई स्टूडेंट फेल हो जाते हैं लेकिन अगर ये कथा पढ़ाई होती तो सब 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 शिष्य जो है याद रखते तो ये उन्हें पता था ये बात इसीलिए उन्होंने उस ज्ञान को कथा रूप में भी रखा है। अब मैं इधर आता हूँ कि ये यहाँ पर मैं जो कोरोना की बात कर रहा था कि कोरोना में आप 21 दिन तक लॉकडाउन हो गए आपके घर के छत के बाहर आप देखेंगे तो दूर आपका वायुयान जो है वो बंद हो चुका है ट्रेन बंद हो चुकी है आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर यही 21 दिन 21 साल हो जाए और हो सकते हैं आपने कभी कल्पना की थी एक साल पहले कि 21 दिन का लॉकडाउन हो सकता है नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ये 21 साल का भी लॉकडाउन किसी समय हो गया कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई हो कि आप घर से ना निकल पाए तो आप सारे ज्ञान आपका खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो जो वायुयान है एयरपोर्ट पे जंग लग जाएंगे और दो चार 25-50 साल बाद आपको याद रहेगा कि कोई वायुयान था
लेकिन अब आपके उपयोग में नहीं है। अब आप उसको पुराण से जोड़िए कि एक प्रलय का वर्णन है जिसमें जिसमें सरस्वती सारस्वत ऋषि का वर्णन आता है। वो कहते हैं कि जब प्रलय आया था तो सारे ऋषि भोजन सामग्री इकट्ठा करने के लिए व्यस्त हो गए और वो अपनी वेद व्याख्या वेद ज्ञान भूल गए। तो वेद कैसे जिंदा रहे, तो एक पुरानी कथा कहती है कि सरस्वत सारस्वत ऋषि थे, उनको सरस्वती माता की कृपा से सरस्वती नदी जो है वो मछली खिलाती थी, तो मछली खा के उनका भोजन समाप्त हुआ तो वो वेद का भी व्याख्या करते रहे। तो क्या बताया उन्होंने, एक तरह से लिंक दे दिया कि एक सरस्वती के सारस्वत ऋषि के द्वारा वो ज्ञान आगे बढ़ता रहा। अब ये एक प्रतीक है, एक ये संदेश है इसके अंदर कि ज्ञान की कंटिन्यूटी थी, बीच में ऐसे प्रलय आए। तो ये प्रलय तो था ना 21 दिन वाला आपका, ये भी तो प्रलय हुआ ना आखिरकार। अब इस प्रलय को आप वेद में ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि एक जगह वर्णन है जब वो इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, पूरा हिमालय हिल रहा है, भूकंप से पूरा हिमालय हिल रहा है और बरसात में इतनी तीव्र बरसात हो रही है कि सब कुछ प्रलय में नष्ट हो चुका है, तुम आए और तुमने उसे संभाला। अभी एक जगह वर्णन है, अब मैंने इसको लिंक किया, इस सरस्वती के खंड के काल में चल रहा है वर्णन। हुआ यूं कि सरस्वती जो है उसके अंदर एक बहुत भूकंप आया। अब मैं सिंधु घाटी में जहां मैं घूम रहा था कारगिल के अंदर, उसी जगह के वर्णन के अंदर से वर्णन आता है। तो इस अब जब मैंने इसको कथा को और डिटेल में गया तो मैं पाया कि हुआ यूं कि उस काल में अगर आप ज्योग्राफी के रूप में भी देखें तो पता लगेगा कि अब जो सरस्वती का अध्ययन चल रहा है उसमें ये बात निकल के आ रही है कि सरस्वती नदी का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। कोई ऐसा भूकंप आया, कोई ऐसा डिस्टेब्लिशमेंट हुआ, कोई हिमालय के अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ जो परिवर्तन स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, वो परिवर्तन हुआ तो सरस्वती का मार्ग अवरुद्ध हो गया। और जब मार्ग अवरुद्ध हो गया तो सरस्वती नदी का पानी यमुना और सरस्वती सिंधु की तरफ बढ़ गया, ज्यादातर पानी यमुना और गंगा की ओर चला गया। यही कारण है जो आपकी पुरानी कथाओं में आपको ये बताया गया कि गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी में मिलती है। फिर आपको ये बताया गया जो बरसों से पीढ़ियों से आपको याद दिलाया गया कि सरस्वती जो है जमीन के नीचे से प्रवाहित होती है, ये कथा रूप में बताया तो वो ज्ञान जिंदा रहा। ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है जो फिजिक्स आज खोज रहा है वो पहले दे के चले गए कि भाई साहब सरस्वती नदी में अवरोध हुआ, उस अवरोध के कारण सरस्वती ड्राई अप हुई। अब एक दिन में तो ड्राई अप हो नहीं सकती, हजारों साल लगे ड्राई अप हुई, उसका बाकायदा पंचविंश ब्राह्मण के अंदर उसकी व्याख्या है। तो वो व्याख्या ब्राह्मण सरस्वती नदी सूखने लगी, सरस्वती नदी यमुना से जाने लगी, तो ऋषियों ने सोचा इस कथा को हम कैसे जीवित रखें, पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाए, तो उन्होंने ये मार्ग अपनाया। वहां तो वेद में तो क्लिष्ट रूप में रख दिया, पौराणिक रूप में कथा रूप में आपके कथाक्रम में कर्मकांड में अनेक रूप में उस इतिहास को जिंदा रखने के लिए घर घर में अवचेतन मन में स्मृतियों में श्रुतियों में त्योहारों में आपको त्रिवेणी बना दिया। त्रिवेणी याद रही आपको, आपको हर बच्चे को याद है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, आप फिजिक्स तो शायद 0.02% पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता होगा कि सरस्वती गंगा और यमुना से मिलती है। कष्ट ये हुआ कि पिछले 200-300 साल से इस पर्टिकुलर ज्ञान की व्याख्या का लिंक टूट गया। ज्ञान तो था, कथा भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसको व्याख्या करने वाले लोगों का लिंक टूट गया। आज की जनरेशन उससे विमुख होने लगी, तो ये बहुत दुखद परिस्थिति है। तो इस सरस्वती नदी के कालखंड में जब सरस्वती सूखने लगी, तो जब सरस्वती सूखने लगी तो अब अंतिम मैं आपको एक छोटा सा फिजिक्स का और उसमें बात बता रहा हूँ जो एक्चुअली में हुआ ज्योग्राफिकली। जब सरस्वती सूखने लगी, सरस्वती ड्राई अप हो गई, जब सरस्वती ड्राई अप हो गई तो सरस्वती का आदमी कहाँ जाएगा जिसने इतना सुसंस्कृत और उच्चतम शिखर पर सभ्यता का निर्माण किया। तो वो कुछ जो है ज्यादातर लोग सिंधु नजदीक थी, सिंधु नदी नजदीक थी, गंगा में तो जाएंगे, कुछ तो गंगा में वापस चले गए अपने पुराने क्षेत्र में। इसका मतलब अच्छा मैं आपको ये स्पष्ट और करूं कि अगर मैं सरस्वती का बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभ्यता सिर्फ सरस्वती तक थी, नहीं, सभ्यता तो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी आर्यव्रत में। उस वक्त सरस्वती केंद्र बिंदु थी, जैसे हम कहते हैं ना दिल्ली हमारा राजनीतिक केंद्र है, बॉम्बे हमारा आर्थिक केंद्र है, वैसी सरस्वती हमारी सभ्यता का उस कालखंड में केंद्र थी। उसके पूर्व में काशी और अयोध्या केंद्र थी जब बनु महाराज थे। तो जब सरस्वती का सभ्यता उच्चतम शिखर पहुंच गई और सरस्वती सूखने लगी तो अचानक यहाँ के लोगों ने निर्णय किया कि सिंधु की तरफ जाना चाहिए। अब इतिहास की बहुत बड़ी जो ये हमारे प्रतिष्ठित सो कॉल्ड इतिहासकार एक चीजों में
समेत तो थे, झूठ तो बोलते हैं लेकिन कई झूठ को का आंसर नहीं दे पाते। जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति मिली तो उन्हें यह प्रश्न नहीं समझ पाए कि ये इतनी उच्चतम सभ्यता शहर अचानक आ कहां से गए। ये सवाल आप लोगों ने सुना होगा कि इतने हजारों साल पहले इतनी उच्चतम शहर कैसे प्रस्तुत हो गए। इसका जवाब इसी कथा के अंदर कि सरस्वती से इतने उच्चतम ज्ञानी लोग थे कि उन्होंने वेल प्लान सिटी बनाई जाकर सिंधु में। उन्होंने नया, जैसे हम कहते ना एक नगर ध्वंस हो गया तो हम अपना घर कहाँ बनाते हैं, शहर के बाहर। तो जो हमारा गांव घर शहर के बीच वाला शहर का गांव है, मकान है, उससे हम बेटर मकान बनाते हैं ना बाहर जाके। हम जब अपने गांव के मकान या शहर के बीच के मकान से जब हम बाहर जाते हैं आउटस्कर्ट में तो बेटर मकान बनाते हैं, उसको नया रूप देते हैं। वैसा ही सिंधु में हुआ। तब सिंधु घाटी में फिर हड़प्पा और संस्कृति मिली जिसको लोथल और इन सब चीजों से जोड़ा गया और रानी खेत सब जगह से जोड़ा। तो कहने का तात्पर्य कि ये एक इतना बृहद इतिहास है जिसकी सरलतम संक्षिप्त मैंने एक प्रस्तुतिकरण किया है। इन सब बातों का अगर मैं कथा रूप में ही सिर्फ लिखता तो कोई इसको स्वीकार नहीं करता। जैसे मैंने आपको 1070.70.75.5 का एक रेफरेंस मुझे अचानक याद आ रहा है, ऐसे ही इन सभी बातों का, हर बात का, हर कथन का प्रस्तुतिकरण तो सरल है लेकिन उसी कथन के साथ मैंने उस ऋग्वेद के मंत्र का, उस सूक्त का, उन श्रीमान आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऋषि महाराज का, जिन ऋषियों ने उसको प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा अवतरित हुई है वो ऋचाएं, उनका मैंने उदाहरण दिया जिसके आप ऋग्वेद के उस रेफरेंसेस में जाकर देख सके, पढ़ सके, क्रॉस चेक कर सके, समझ सके कि ये कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है, कोई भी हवा में नहीं है। सब सब कुछ करीबन 2000 उसके अंदर ऋचाओं का मैंने समर्थन लिया है। वो तो लिख के चले गए, मैंने उनका समर्थन लिया वो अपनी प्रस्तुतिकरण के लिए। तो दुख इस बात का है, आप सबसे निवेदन है, मुझे पीड़ा होती है क्योंकि मैं इस कथा के बाद आगे लिख रहा हूँ, 3 सीरीज में लिख रहा हूँ। ये सतयुग की कथा है, उसके बाद जो मेरी मैं आर्य पुत्रों की अगली कथा है, मैं रामवंशी हूँ, उसमें त्रेता की कथा आएगी, उसके बाद मैं कृष्णवंशी हूँ, ये 3 सीरीज में आएगी। और इन सभी सीरीज में जो भी कथा होगी वो सभी प्रमाण के साथ होगी, कुछ नया होगा उसके अंदर। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं रामवंशी का आज आपको देता हूँ कि जब ताटका का वध कर देते हैं श्री राम, तो विश्वामित्र जी उनके उन्हें करीबन 80 अस्त्र देते हैं। उन 80 अस्त्रों का जब मैं वर्णन वाल्मीकि रामायण में पढ़ने लगा तो मुझे लगा यार कि अगर ये कोई एक ही अस्त्र होता, तलवार और धनुष बाण, तो फिर एक ही नाम आता ना, ये 80 नाम क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब 80 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स वर देयर, 80 टाइप्स ऑफ वेपन्स वर देयर, 80 टाइप्स ऑफ वॉर मटीरियल्स वर देयर। सरल सी बात है, अगर 80 वॉर वेपन्स नहीं होते तो 80 वर्णन नहीं करते वाल्मीकि जी। फिर मेरे मन में प्रश्न आया, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं रामवंशी हूँ का आपको एक क्लिप दे रहा हूँ, वो 1-2 साल में आएगी, कि वाल्मीकि जी ने जब प्रस्तुत किया है कि ताटका वध के बाद ही श्री राम को यह ज्ञान क्यों दिया गया। मन में मेरे प्रश्न आया कि यार अजीब थे ऋषि महाराज, भाई ताटका वध से पहले भी तो दे सकते थे, और हमारे श्री राम पूरे वेपन से लैस हो जाते। फिर मुझे आत्मचिंतन हुआ, नहीं, इट्स ए स्टेप बाय स्टेप नॉलेज। हम जब 6th पास कर लेते तो 7th पास कर लेते तो 8th का ज्ञान, 10th पास कर लेते तो 12th का ज्ञान, कॉलेज जाते हैं तो फिर उसका ज्ञान। ताटका वध श्री राम जी का एक एग्जाम था, नेक्स्ट स्टेप में गए तो उनको फिर उसके बाद उन्होंने वर्णन किया। ठीक ताटका वध के बाद विश्वामित्र जी उन्हें शस्त्र ज्ञान देते हैं, ये उनका पारितोषिक भी है, नेक्स्ट क्लास का उनका ज्ञान का मार्ग भी है। और तो और आप एक चीज और बताऊं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज, हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं, वैसे श्री राम जी को आगे आने वाले जो वनवास है उसका उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान अभी से देना शुरू कर दिया कि पहले जंगल में रहे, वो ताटका का वध किया उसके बाद उनको ज्ञान दिया, मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। तो इस तरीके से अगली रामवंशी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसलिए नहीं कि मुझे पुस्तक का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन इस बात को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप कम से कम ये तो जानिए कि आपका आपका प्राचीन इतिहास क्या था। कम से कम किसी को बोल तो पाए कि भाई साहब गलत कह रहे हो, आप स्वयं तो अनुभूति तो कर सकते हैं कितने महानतम पुरुषों की संतान है।
आप से हम ये तो महसूस करते कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं। ये जो जाति व्यवस्था है, ये हमारे सबसे पतन का प्रमुख कारण है। वेद के अंदर जाति व्यवस्था नाम का कोई शब्द है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था भी जन्म संबंधित नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं ये बात अंत में, कहीं भी वर्ण व्यवस्था, जाति संबंधित कोई भी चीज जन्म संबंधित नहीं है। इसकी मैंने पूरी विस्तृत व्याख्या दी है, और यह स्पष्ट कर दूं कि ये हमारे पतन का प्रमुख कारण बना। जब भी ज्ञान आप जन्म से जोड़ दोगे तो प्रमुख खत्म हो जाएगा। ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। मैं तो आज के डेट में देखिए, मेरे पास तो जन्म से संबंध अगर माना जाए तो मेरा ज्ञान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। मुझे अभी प्रोफेसर साहब से एक दिन बात हो रही थी, और मुझे कल एक स्वामी जी ने भी मुझे कहा, पुस्तक अध्ययन करने के बाद परसों मैं प्रोफेसर साहब से कह भी रहा था, कहते मनोज सिंह तुम्हें कोई दैवीय शक्ति आई है। मैं स्वयं मानता हूं ये मेरा स्वयं का अध्ययन हो ही नहीं सकता। ठीक है, 8-10 घंटे मैं तप कर रहा हूँ, मगर तप के लिए जो मुझे शक्ति मिल रही है, जो प्रेरणा मिल रही है, वो दैवीय शक्ति महादेव की कृपा है। तो अगर मैं जन्म से अगर अपने वर्ण से संबंधित हूं तो मुझे तो ब्राह्मण कार्य नहीं करना चाहिए, मगर मैं तो आज की डेट में ब्राह्मण कार्य कर रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 200-400-500 साल के अंदर विभिन्न कारणों से, उन कारणों का भी मैंने छोटा मोटा कहीं ना कहीं अध्ययन किया। दुखद इस बात का है कि अगर अंग्रेज झूठ बोल रहे हैं तो उनका उनके प्रति स्वार्थ समझ में आता है, बट हिंदुस्तान के इतिहास पर अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये शर्मनाक है कि आप अपने ही घर के अंदर आग लगा रहे हैं, अपनी ही नींवों को तोड़ रहे हैं। किस लिए? आपकी आने वाली पीढ़ियां इसको भोगेंगी। कृपया इसको दूर कीजिए, सत्य को जानिए, समझिए, तभी हम पुनः एक बार, आज की डेट में आर्य पुत्र तो हैं हम सब, यहाँ पे जितने भी हैं हम सब आर्य पुत्र हैं, लेकिन आर्य नहीं है। आर्य हम तभी बनेंगे जब हम कर्म से, वचन से, धर्म से, न्याय से, व्यवहार से, आचरण से, स्वभाव से, व्यक्तित्व से श्रेष्ठ होंगे, उस वक्त हम आर्य कहलाएंगे। और ऐसी कामना करता हूं कि हम सब इस तप में, इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभा के हम पुनः आर्य बने। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, कोई कोई बातचीत करना चाहता है तो मैं उसके मनोज उपलब्ध हूँ। जी, हाँ जी बिल्कुल, प्रश्न भी और टिप्पणियां भी हम लेंगे। हमारे साथ अविनाश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, मनमोहन शर्मा जी भी हैं, इतिहास संकलन समिति के अध्यक्ष हरियाणा प्रांत के, मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी, और बहुत सारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। और निश्चित रूप से उनकी मैं टिप्पणियां और प्रश्न आमंत्रित जी करूंगा। और लेकिन उससे पूर्व एक बात जो है, आपके सारे वक्तव्य से बड़ी उभर कर, स्पष्ट रूप से उभर कर आई है कि अगर ये जो लाइन ऑफ थॉट आपने हमारे साथ सांझी की है, इसको अगर हम एस्टेब्लिश कर सकें, इसको एक काउंटर नैरेटिव के तौर पे हम प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से हम संवैधानिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अपने को परिभाषित करने में सफल होंगे। अन्यथा हिंदू कंफ्यूज था, हिंदू कंफ्यूज जी रहेगा कि वो द्रविड़ है या अनार्य या आर्य, पता नहीं, ना संविधान जी परिभाषित करता है और सांस्कृतिक रूप से तो हम कंफ्यूज हो ही गए। तो मैं समझता हूं कि जी आपकी लाइन ऑफ थॉट, आपका लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है बड़ा प्रभावी है, और इसको और अधिक अग्रसर करना चाहिए। और मनमोहन शर्मा जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि मनोज जी से आप जरूर संपर्क करें और इस विषय पर उनके विचार भी लें और उनको अपने साथ जोड़ें, और आपकी टिप्पणी भी सादर आमंत्रित है। मनमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक मनोज जी ने वक्तव्य दिया, और कई चीज़ों को बड़ी नई इंटरप्रिटेशन जो है देखने को मिली। मैं भी इनकी तरह से ही बेसिकली साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, और बाद में एंशंट हिस्ट्री आर्कोलॉजी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी तरफ मुड़ा हूँ। एक बात और कई बार सुनी आती है कि अदिति जो है उसको इन्फिनिटी मान रहे हैं। अब व्याख्या करते समय कई स्थानों पर जो है एडिटिव इन्फिनिटी मान लें तो ब्लैक होल की थ्योरी जो है वो उस संदर्भ में भी जुड़ती है कि सब चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं, वहीं चली जाती हैं। क्या इसका कोई लिंक आपके दिमाग में है इस तरह का? मैं अदिति जी, माता अदिति की व्याख्या बड़ी सुंदर करना चाहूंगा हाँ जी, जो मैं समझ पाया हूँ। हाँ जी, देखिए, मतलब मैंने कहा ना कि एक तो वेद के अंदर बड़ा, मतलब मैं कहता हूँ कि हम तो शायद उन उन ज्ञानियों के सामने बिल्कुल, उन्होंने इतने उसके प्रति के आंसर्स दे दिए कि उसको सभी को समेटना मुश्किल है। बट आपके संदर्भ में यहाँ कहना चाहूंगा, अदिति बेसिकली देवताओं की माता मानी गई है। जी अब यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको इतिहास के रूप में समझें,
देवता कौन है? देवता वो हैं जो कृषि से संबंधित हैं। कृषि है मतलब आपको कर्म करना पड़ेगा, आपके कर्म का काम, बिना कर्म किए हुए आप कृषि नहीं कर सकते। अगर आप कृषि नहीं कर रहे, जंगल में रह रहे हैं और जंगल में आपको कोई काम नहीं करना है, इसीलिए आप देखेंगे कि सूर्य की जो माता है वो तो अदिति है, लेकिन जो असुर की माता दिति है। अब ये दिति और अदिति की थ्योरी को अगर हम ध्यान से देखें और इसके संस्कृत की व्याख्या को देखें तो थोड़ा सा स्पष्ट होता है। अदिति मीन्स जो देती नहीं है, आपको कार्य करना पड़ेगा। ये ऐसी माता है जो अपने आप से नहीं देती, आपको कार्य करना पड़ेगा। इसलिए वो देवताओं को कर्म कांड, इसलिए बाद में गीता में उसी व्याख्या का कर्म संबंधित हो गया। वेयर एज जो दिति है, वो दिति जो है वो बिना कार्य किए हुए देती। इसलिए एक जगह मैं नंबर नहीं याद आ पा रहा है, एक जगह ऋषि महाराज के ऋषि जी कहते हैं कि मैं उस जगह से आया हूं जहां पर अरण्यानी देवी, अरण्यानी माता मुझे बिना कार्य किए हुए मुझे भोजन देती है। मैं ऐसी अरण्यानी दिति माता का अभिनंदन करता हूं और मैं उस माता के भोजन को भूला नहीं हूं, इसका वर्णन करते हैं एक जगह। अपनी याद कीजिए, उसको लिंक कीजिए। और साथ में अभी आप देखिए, अभी मैं रामायण को एक जगह लिंक करता हूं कि जब आपके कश्यप ऋषि जो है, जब विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और विष्णु जी के पास पहुंचकर जब वो उनसे निवेदन करते हैं, सिद्ध क्षेत्र में उसका ऋग्वेद में वर्णन आया है कि जब सिद्ध क्षेत्र में विष्णु जी तपस्या में लीन है, उनसे जात के कहते हैं कि हे महादेव, हे भगवान, आपको आप वो कहते हैं वरदान मांगो, कहते हैं भगवान मेरी इच्छा है कि आप अदिति के अदिति का पुत्र बने। याद कीजिए उस कथा को, अदिति का पुत्र कश्यप की। अब कश्यप अपनी धर्म पत्नी के साथ जाते हैं और ये वर्णन वाल्मीकि जी लिखते हैं उनको धर्म पत्नी का है, तो कश्यप की तो दिति और अदिति दोनों ही है। कहते हैं अदिति से आप जन्म लीजिए, तो अदिति से जन्म कौन लेते हैं? वामन रूप में लेते हैं, जिससे वो बलि से फिर वो, तो ये बलि की कथा को अगर आप वामन से जोड़ें तो बेसिकली कृषि की भूमि ले रहे हैं आप अपने कजिन ब्रदर से, जो कजिन ब्रदर आपका असुर है उससे आप अपनी जमीन ले रहे हैं कृषि के लिए, उस अवतार के रूप में कथा का प्रस्तुतिकरण है। तो ये अदिति जो है देवताओं की माता है, तो भगवान विष्णु भी अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो इसीलिए वो श्री कृष्ण के रूप में आगे जाके कर्मकांड बनता है। शायद मैं कुछ थोड़ा स्पष्ट कर पाया, शायद मैं नहीं जानता। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने अपनी व्याख्या दी है। निश्चित रूप से ये व्याख्या करने के तरीके भी मुझे लगता है सिखाए जाने चाहिए परंपरा में, क्योंकि बहुत कुछ दब गया है और हमारे पास जो उपलब्ध सारा साहित्य है वो टुकड़ों में है, उसको उसके आधार पे पूरी एक समझ विकसित करना, दृष्टि विकसित करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन ये प्रयास आप जैसे साधु लोगों की वजह से ये संभव हो पा रहा है और ये अच्छी बात है। हमारे साथ डॉक्टर विशाल भारद्वाज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अक्षय मिश्रा जी हेड जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और आप लोगों की और भी टिप्पणियां आमंत्रित हैं। फोन नंबर डिस्प्ले करवा दीजिए मनोज जी का। जी बिल्कुल करवा देते हैं सर, बिल्कुल शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, अभी शेयर कर देते हैं, मैं अभी कर दूंगा और उस पे व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। अविनाश जी आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जी सर्वप्रथम तो मैं इन्हें अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, बड़े ही रोचक ढंग से इन्होंने चीज़ों को उपस्थापित किया है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना अवश्य चाहूँगा कि ये जो इतिहासकारों ने हम लोगों को आर्यों को बाहर से लाने का जो प्रयास किया है, इसके दो मुख्य कारण हैं। अंग्रेज भी बाहर से आए थे और अपनी उपस्थिति को वैधानिक मानने के लिए हम आर्यों को बाहर का उन्होंने घोषित कर दिया, और उसके पहले जो मुसलमान आए थे, ये मुसलमान इतिहासकार भी यह प्रमाणित करने के लिए कि मेरी उपस्थिति यहाँ अवैध नहीं है, ये स्वयं बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ सभ्यता स्थापित की है। तो सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि इस प्रकार के इतिहास का लेखन आरंभ हुआ। और बाद में जो कम्युनिस्ट जो लोग हैं, एक शर्मा जी हुआ करते थे जो पहले हमारे पटना विश्वविद्यालय में थे, फिर बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ, नाम मैं भूल रहा हूँ, रामचरण शर्मा जी, उनसे मेरी कई बार भी मैंने लड़ाई भी हो गई है वैचारिक रूप से। वो कभी कभी बोलते हैं कि 1000 जो है अयोध्या है और ये है, तो उसमें हमारे एक विद्यार्थी हैं जो मुसलमान है, उन्होंने कहा कि ठीक है 1000 अयोध्या है, तो फिर उस अयोध्या के बारे में क्यों इनके सारी चीजें आती है। और इस प्रकार मैंने जो देखने का प्रयास किया है कि इसका मुख्य रूप से राजनैतिक कारण है, और आशुतोष जी ने ये कहा था कि इतिहास वही प्रासंगिक है जो राजनीतिक कारणों को भी तुष्ट करता हो।
तो ये सारी बातें तो एक तरफ हो गई। जहां वेदों की बात आपने की है तो वेद में अनेक प्रकार के विचार दृष्टिगत हुए हैं और वो धीरे धीरे उद्भूत हुए हैं, और पाश्चात्य देशों में जो नई नई दार्शनिक और ज्ञान की परंपराएं हैं वे सारे के सारे तो वही दृष्टिगत होते हैं। अब जैसे अज्ञेय है ये एग्नोस्टिसिज्म, तो आप उनका देख लीजिए, आप उनका देख लीजिए, नासदीय सूत्र सदा न सदा सिन्न सदा सत्यदानिंग नासी द्रजोनो व्योमा पुरोयत। तो इस प्रकार ये सारी चीजें जो है, अभी मैं पढ़ रहा था अगस्त के बारे में, तो बल्ब का पहला जो है अविष्कार महर्षि अगस्त ने किया था विद्युत का और बैटरी का, जो बाद में हमारे विदेशियों ने उससे छीन मने उसको क्या कहते हैं कॉपीराइट करवा लिया। ये सारी चीजें तो हमारे पास बहुत पहले ही से पड़ी हुई है, और आपने इसको एक नए ढंग से आलोकित करने का प्रयास किया है वो श्लाघ्य है, ये स्तुत्य है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आपके इस अहर्निश प्रयास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर। हमारे साथ रोहताश जी, प्रोफेसर रविंद्र कुमार गुप्ता जी और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है तो जरूर आप रखें, फिर उसके बाद में मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को आमंत्रित करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए और फाइनल कमेंट्स के लिए। मैडम नलिनी जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। नलिनी श्रीवास्तव हेलो सर, मैं बोलना चाहता हूँ रोहतास। हाँ जी रोहतास जी, मैं सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत अच्छे वक्ता को आप ढूंढ कर लाए जिन्होंने मेरा जो मैंने दो चार पुस्तकें पुरानी पढ़ी उनका निष्कर्ष और मुख्य वक्ता मनोज जी के बिल्कुल इस व्याख्यान से बिल्कुल तालमेल खाता है। फिर भी मैं अपनी टिप्पणी के साथ दो प्रश्न पूछना चाहूंगा इन्हें मुख्य वक्ता जी से। एक तो ये बात है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई ये जो असुर और सुरुकी है, क्योंकि अब पूरे देश में शुरू हो गई है। रावण के जो बड़े भाई थे कुबेर, उनके पिता ने उसको एक जो हमारा श्रीलंका है इस टापू की रक्षा के लिए दक्षिण दिशा की ओर से सुरक्षा के लिए प्रबंधन दिया था, और बाद में रावण ने इसको ये कहा कि मैं उस टापू को लूंगा। तो यहाँ से दोनों में जो असुर और सुर की बातें निकल कर आती है, यहाँ से इसका जो निचोड़ निकल कर आता है वो बहुत सही निकल कर आता है। लेकिन जहां तक चारों युगों की बात है सर, सतयुग में देव और दानव दोनों अलग अलग लोकों में थे, त्रेता युग में दोनों एक लोक में रहना शुरू हुए, द्वापर में देव और दानव एक ही परिवार में रहना शुरू हुए, और कलयुग में आज एक ही व्यक्ति में देव और दानव पाए जाते हैं। ये मेरी टिप्पणी थी सर। इसके बाद मेरे दो प्रश्न ये है कि मैं मनोज जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने किताब में पढ़ा कि यम जो विवशान का पुत्र था वो पृथ्वी लोक पर मरने वाला पहला व्यक्ति था, और दूसरा प्रश्न सर ये है कि पृथ्वी नाम का जो प्रथम भारत का राजा हुआ उसने कृषि व्यवस्था शुरू की थी, क्या ये बातें जो मैंने पढ़ी क्या ये सही है सर? इसके बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहता था मनोज जी से। पहले तो मैं अविनाश जी का धन्यवाद करूंगा, मुझे फिर मौका मिला तो एक चीज उसमें जोड़ना चाहूंगा। अविनाश जी अगर हों तो मेरे को अगर सुन रहे हो तो, जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर उन्होंने बात की, और इस बात का इस संदर्भ को मैंने पुस्तक में लिया है, और उस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक बात और जोड़ी है कि ये देश की दुर्भाग्य है और विडंबना भी है कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। ये डिस्कवरी वर्ड से ही मुझे आपत्ति है, और उसमें अगर देश का प्रधानमंत्री ही अपने देश को डिस्कवर कर रहा है तो इसका मतलब है कि फिर तो देश कहीं गुम हो गया था। तो ये जस्टिफिकेशन जो था बहुत ही मुगलों के समय में तो कम हुआ, या अंग्रेज ज्यादा बुद्धिमान थे और उन्होंने बहुत तरीके से उसको खराब किया और उसको जस्टिफाई किया। मैंने उस ये आपकी बातों को बड़ा तीक्ष्ण रूप में अपने पुस्तक में स्थान दिया है, और बड़ा तर्कपूर्ण रूप से बहुत मतलब मैं बहुत अंदर से बहुत व्यथित था इसलिए मैंने उसको बहुत तेज रूप में कहा है। उसमें उसी बात को मैं आगे जोड़ना चाहूंगा, उसी बात से मैंने एक और निकाला है जो आर्य और द्रविड़ वाली थ्योरी है। मैंने उनसे एक सीधा सा सरल सवाल पूछा अपने आप से और आप सबसे, और आप पूछा कीजिए अगली बार में कि अगर आर्य द्रविड़ अगर आर्य और द्रविड़ अलग थे
अगर आर्यों ने ऊपर वाले लोगों को मार के भगाया था कि वो दक्षिण चले गए, तो उनसे ये पूछिए कि फिर उस समय दक्षिण में कौन रह रहे थे, और अगर कोई दक्षिण में और रह रहा था तो उत्तर वालों को उन्होंने स्वीकार क्यों किया? फिर तो दो लोग हो गए ना, एक उत्तर से जाके इन दक्षिण बसने वाले वो द्रविड़ हैं, या जो पहले से दक्षिण में रह रहे वो द्रविड़ हैं। तो ये तो बात ही छोरी गलत है। और आप मुझे बताइए, आज से 20,000 साल पहले विंध्याचल को क्रॉस करके आदमी जाकर एक द्रविड़ सभ्यता बसा सकता था क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। आर्य द्रविड़ थ्योरी भी गलत है। ये आर्य द्रविड़ थ्योरी को अगर आप ज्यादा पुराना ना जाएं, आप 1857 के समय का युद्ध देखिए, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, अचानक ही आर्य द्रविड़ थ्योरी 1857 के बाद क्यों उभरी, इसको भी जोड़िए। हम सब बिंदुओं को जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये प्लांट इसलिए किया गया कि जो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ी क्रांति की आग लगी वो मद्रास में सबसे तेज थी, और मेरठ से लेके दक्षिण तक इतनी जबरदस्त आग थी, उन्होंने कहा ये तो बर्बाद कर देंगे। उन्होंने इसलिए कंट्री को डिवाइड करने के लिए उत्तर और दक्षिण की थ्योरी पैदा की। ये आर्य द्रविड़ की थ्योरी 1857 के बाद पैदा हुई है, उसके पहले नहीं थी। आप दक्षिण जाते हैं, आप जाके देखिए, दक्षिण में जितनी आर्य संस्कृति आज की डेट में भी मिल जाएगी आपको, उतना तो उत्तर में भी नहीं बची है। ये कैसे हो सकता है? अब आते हूँ मैं रोहता साहब का जो प्रश्न है। रोहता साहब, उसमें आपने एक्चुअली में माफ कीजिएगा, कालखंड जो है इतना हजारों साल का है कि वो कालखंड को हम मिक्सिंग करने के बाद ये कई बार भ्रम पैदा हो जाता है। तो जो ये रावण वाली थ्योरी है, ये त्रेता युग की कथा है। ये तब तक वेद वेद जो है, वेद व्याख्या में श्रीलंका और रावण इस तरह की व्यवस्था नहीं आती। इनके जो पूर्वज थे उनकी कथाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपने यम की बात की, तो यम का संदर्भ बहुत सुंदर रूप में आया है वेद में। उसको अगर मैं संक्षिप्त रूप में लूंगा तो भ्रम पैदा करेगा। यम और यमी का संवाद है, और यम यवी के संवाद से जो उसकी जो परिकल्पना है, जो मैं कहता हूँ उसको, जो दर्शन शास्त्र है, जो समाज की व्यवस्था, तो है क्योंकि दोनों भाई बहन है, यम और यमी दोनों भाई बहन है, तो भाई बहन की जो संवाद के द्वारा एक समाज की व्यवस्था दी गई है, उसकी सोच देखिए आप इतनी उच्चतम स्तर पर है, उसके द्वारा जो अध्यात्म दिया गया है, यम और यमी को अगर आप दूसरे रूप में देखेंगे, असली में रोहता साहब क्या दिक्कत क्या है कि हर हर शब्द के पीछे पूरा प्रतीक है, उसके आप कई संदर्भ निकाल सकते हैं। तो यम और यमी की बात आपने कही। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने जहां तक मुझे याद आ रहा है पृथु की बात की, बिल्कुल सच आपने कहा है। पृथु के द्वारा ही ऋषि का उद्गम हुआ है, ऐसा वेद कहते हैं। लेकिन उसमें हमें एक चीज थोड़ा समझना चाहिए, हर चीज को व्यवहारिक रूप में समझना चाहिए। कोई एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक दिन में किसी एक स्थान में कृषि का निर्माण हुआ होगा, ऐसी कल्पना करना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी और गलत होगा। उस वक्त में कई जगहों पर, कई जगह धीरे धीरे संस्कृति का विकास हो रहा था। वो विकास का कालखंड बहुत लंबा था, बहुत लंबा चौड़ा था। लेकिन हम कहते हैं ना, जैसे कि आज की डेट में अयोध्या है, तो कुछ सालों बाद लोग कहेंगे अयोध्या का निर्माण जो है नरेंद्र मोदी जी के समय कालखंड में हुआ। लेकिन ये हम भूला ना कि ये हम भूल जाएंगे कि अयोध्या का संघर्ष 600 साल चला। वैसे ही पृथ्वी का संदर्भ अगर आता है, तो उसका मतलब ये कदापि ना सोचा जाए, एक बुद्धिमान, एक बौद्धिक रूप से आप इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये कभी ना सोचें कि पृथ्वी ने ही प्रारंभ किया। पृथ्वी कालखंड में कृषि अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची, ऐसा अगर हम परिकल्पना करें तो ज्यादा ज्यादा सही होगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी है वो क्या रहा है कि अंबेडकराइट्स, अभी अयोध्या का तो प्रकरण आप देख ही रहे हैं, इन लोगों ने एक नए ढंग से इतिहास को इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है। तो मैं, मेरा तो उनसे बराबर संवाद चलता रहता है, तो मैंने कहा कि बुद्ध स्वयं आर्य थे और उनको आर्य भी कहा जाता था। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। अब जहां कहीं भी प्रकरण आता है तो कहते हैं एसो धम्मो सनातनो, मैं कोई नए धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, वो सनातन धर्म है और वो धर्म की प्रक्रिया कहीं रुक गई थी, मैंने उस चक्र को गतिमान कर दिया है, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो यह आपके सिद्धांत को पुनर्स्थापित करता है, बल प्रदान करता है कि अभी जो एक नया विचारधारा विकसित हो रही है हमारे अंबेडकराइट्स के द्वारा, जो पुनः हम लोगों को बाहर करने की बात कर रहे हैं, तो मेरा तो उनके साथ बराबर जो है नोकझोंक होता रहता है। तो मैं बताता हूँ कि भगवान बुद्ध तो स्वयं आर्य थे और वे बराबर कहते रहते थे कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। तो ये सारी बात है। और बीच में आपने वर्ण की जो बड़ी अच्छी बात कही है, तो वर्ण व्यवस्था की तो बड़ी अच्छी व्याख्या आपने जो है गीता में ही हम देखते हैं कि चातुर्वर्ण में असृष्टम गुण कर्म विभाग और सबका परिभाषित किया गया है। तो इसलिए जन्मना तो कुछ होता नहीं है, और बुद्ध भी कहते हैं जन्मना
न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों। तो इस प्रकार आपने जिस प्रकार की अच्छी व्याख्या की है, एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद अविनाश जी, बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। बुद्ध स्वयं आर्य शब्द आर्य सत्य ही स्थापित कर रहे हैं वो तो, बल्कि बड़ा अच्छी आपने ये बात ध्यान में ला दी है। और यही है कि इन चर्चाओं का प्रसंग यही है कि हमारी दृष्टि और हमारी जो जड़ता है वो खत्म हो और दृष्टि का विकास हो, यही इन चर्चाओं का प्रयोजन है। तो मुझे लगता है रविंद्र जी की एक रविंद्र कुमार गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी उसके बाद आप, और फिर उसके बाद हम प्रेसिडेंशियल एड्रेस लेंगे। जी सर गुप्ता जी। मनोज जी का सर आभार व्यक्त करते हैं, केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब जो नई वैज्ञानिक खोज हुई है उससे ये स्पष्ट हो गया कि आर्य और द्रविड़ का डीएनए एक ही है। जी जी, ये बड़ा स्पष्ट हो गया, नंबर एक बात सर। दूसरा, जब हम भारतवर्ष की बात, आपकी आवाज कट गई, मैं सुन नहीं पाया, फिर से रिपीट करेंगे। हेलो डॉक्टर साहब, अपना माइक आपके पास नहीं था, संभव नहीं था, इसलिए जो मनोज जी कह रहे हैं मैं उनसे सर सहमत होते हुए कह रहा हूँ कि वास्तव में ये एक षड्यंत्र था विदेशियों का, और जिसको हमने भी आगे बढ़ावा दिया कि पहले हमने भारत को विभाजित किया, फिर विभाजन के नाम पर राजनीति की, और अब उस राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम आगे राजनीति कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ एक बात कह के इसलिए कह रहा हूँ सर कि जो आर्य द्रविड़ की बात हो रही है, अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि भारत का प्रधानमंत्री दक्षिण से क्यों नहीं हो सकता जी। अरे हुआ है भैया। तो ये जो आज मनोज जी ने बताई है बातें वो इतनी सारगर्भित हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मेरे को तो 10 मनोज जी चाहिए जो इस बात को आगे लाए, सब जाकर बात बनेगी। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था ना सर, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि एक विवेकानंद नहीं 10 विवेकानंद हो तो मैं पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति को स्थापित कर सकता हूँ। तो मनोज जी आप जैसे, मुझे तो अभी 10 चाहिए। अरे सो धन्यवाद, कॉम्प्लीमेंट है आपका। आनंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद फिर फाइनल कमेंट्स लेंगे। जी आनंद नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दो टिप्पणियां हैं जी। ज्यादातर जब भी आप किसी भी भारतीय को पूछते हो कि आपको संस्कृत आती है तो उनका जवाब नहीं यही होता है। बड़े बड़े विद्वान भी होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि मेरा संस्कृत का अभ्यास नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये अपनी गुलामी का अंदाजा देते हैं, क्योंकि अगर संस्कृत मेरी माँ नहीं है तो मेरी दादी नानी चाची या मौसी तो जरूर है जी। आप तमिल लीजिए, तेलुगु लीजिए, मलयालम लीजिए, मराठी तो कोई सवाल ही नहीं, मगर ये सभी भाषाओं में अनेकानेक शब्द एक जैसे हैं। जैसे मराठी में अपनी बीबी को कारभारीन बोला जाता है, तमिल में संसार बोला जाता है, संसारम। तो संस्कृत और तमिल में इतनी चीजें कॉमन है, तो कोई भी भारतीय है तो उसने यही बोलना चाहिए, हाँ मुझे संस्कृत आती है जी। ये पहली बात, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं बोलेंगे, आप चाइना में जाइए तो चाइना में रास्ते का दुकान वाला भी बोलता है आई स्पीक इंग्लिश, भले उसको उतना ही बोलते आता होगा, मगर ही इज सेइंग दैट ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वेयर एज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वी आर बैक्ड अप बाय संस्कृत। दूसरी बात यह है कि मैंने किशोरी मोहन गांगुली जी का महाभारत का ट्रांसलेशन भाषांतर पढ़ा, उसमें मैं एक जगह अटक गया जहां पे उन्होंने लिखा है कि राजा रंतिदेव वो हर रोज 2000 गाय मारते थे और उनका मांस लोगों को दान करते थे। तो ये टिप्पणी मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने 3 संस्कृत विद्वानों को पूछा, तो पहले ने तो मुझे बताया कि ये आपके समझ में आने वाली बात नहीं है। दूसरे ने मुझे बोला कि आप ये फलाना फलाना ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये फलाना फलाना ग्रंथ जो है वो 8000 पेजेस का है। और तीसरे ने मुझे ये बोला, नहीं ये जो बात है स्टडी करना पड़ेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा,
आज तक वो विद्वान मेरे पास वापस नहीं आए हैं। तो ये जो है जब भी कोई उसका मत, उसका अरुण उपाध्याय जी को मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत सरल तरीके से इसकी जानकारी दी और वो उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया, उसका जो अर्थ है वो भी बताया। मगर ये जो पहले तीन विद्वान थे संस्कृत के विद्वान, वो संस्कृत की क्या बोलते हैं उसको, दे आर नॉट सर्विंग द संस्कृत इन द वे दैट इट शुड बी। संस्कृत लोगों तक पहुंचनी चाहिए और जब भी किसी को कोई भी आपत्ति हो तो वो आपत्ति सरल तरीके से उसका समाधान होना चाहिए। ये अगर हम लोग हम में से हर एक आदमी करते रहे अपने स्तर पे, फिर भी हम लोग काफी हद तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा ही एक मनोज सिंह जी के बुक से, पुस्तक से हो रहा है। आज का उनका विवरण बहुत अच्छा रहा। उनकी जो टिप्पणी थी सिंपल क्वेश्चंस, आज सिंपल क्वेश्चंस विच विल गिव यू डिटेल आंसर्स, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आनंद जी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रोफेसर साहब 2 मिनट की वो करना चाहूंगा, अपने थोड़ी से जो अध्ययन मैंने किया है कि दो बातें आपकी बातों से निकली संस्कृत शब्द के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में अगर उसको कहा है कि मैं संस्कृत नहीं जानता, उसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि जनरली संस्कृत को एक भाषा के रूप में लिया जाता है और फिर वो बहुत एकेडमिक हो जाता है, फिर हम उस एकेडमिक रूप में चले जाते हैं और फिर वो आपने जो कहा ना, फिर आपको आंसर्स नहीं मिलते, जो आपको विद्वान लोगों ने प्रॉब्लम हुई वो वहाँ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा, मैं आपको आज और एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अगर आप संस्कृत के ज्ञानी हैं भी तो भी आप वेद समझ लें इसकी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृत बहुत डिफरेंट है। वैदिक संस्कृत को आप अपनी सामान्य संस्कृत से नहीं समझ सकते, इसलिए आपको अल्टीमेटली निघंटू और अपने नॉर्मल तीक्ष्ण ज्ञान को ही, संवेदनाओं को जागृत करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तीसरी बात ये कि आपने बहुत सुंदर बात कही कि अगर हमें हिंदी आती है तो वो हमारी संस्कृत अपने आप ही नानी हो गई, और जो वैदिक संस्कृत है वो तो स्रोत है, वो तो हमारी अदिति है, वो तो हमारी परम माता है, वो तो सभी माताओं का स्रोत है। तो इसलिए आपने बात ही खत्म कर दी कि वो हमारी नानी है, हमने हिंदी समझ गए, अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है, तमिल है। और आपने बड़ी सुंदर बात की, अभी मैं उसमें समय खराब नहीं कर सकता, तमिल के बारे में मैंने अपनी पुस्तक में थोड़ा वर्णन किया है। तमिल जितनी संस्कृत के नजदीक है उतनी कोई भाषा नहीं है, और तमिल के अंदर आज भी आप सांस्कृतिक रूप से देखिए, इट इज वेरी रिच। आर्यों की संस्कृति आप देखना है तो केरल और तमिल में जाइए। तो और जहां तक रही बात ये गांव वाली बात, ये मुझे बहुत पीड़ा देती है। ये पता नहीं क्यों इतना भ्रम पैदा किया गया। वेद में मैं आपको पुनः स्पष्ट कर रहा हूं, मैंने पूरा वर्णन आपको किया है, किसी को अगर मिले तो आप ये जवाब जरूर दे दीजिएगा कि भरद्वाज ऋषि ने 6वें मंडल से ही गौ को पूजना प्रारंभ कर दिया था, और ऋग्वेद में 6वां मंडल प्राचीनतम मंडल माना जाता है, और भरद्वाज ऋषि प्राचीनतम ऋषि में आते हैं। जब प्राचीनतम ऋषि उसका स्तुति गान करने लगे हैं तो कोई कारण नहीं है इस बात को मानने का कि गौ की हत्या होती थी। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी और आनंद जी, आपकी टिप्पणी बड़ी अच्छी थी, और संस्कृतज्ञों को ये चुनौती लेनी चाहिए जिससे वो पिछले 70 सालों से बचते आ रहे हैं। जहाँ कहीं कोई आक्षेप होता है, कोई प्रश्न होता है, वहाँ वो बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और इसी का नुकसान जो है आज संस्कृत की वर्तमान स्थिति में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी प्रश्न और बहुत सारे हो सकते हैं, टिप्पणियां और बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे उस तरफ क्योंकि समय हो चुका है। तो मैं फाइनल कमेंट्स के लिए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को, जो डायरेक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर अपने फाइनल कमेंट्स और धन्यवाद ज्ञापन आज के मुख्य वक्ता के लिए और सभी प्रतिभागियों के लिए ज्ञापित करें। नमस्कार आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे को बहुत सारी चीजों के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है जितना ज्ञान आप सभी लोगों का है। मैंने ये सारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, मुझे संस्कृत नहीं आती है। तो अब आप जैसे विद्वानों के इस व्याख्यान के ऊपर जो है मैं कुछ टिप्पणी करूं, मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग मनोज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं मन की बात तो कर सकता हूं। बिल्कुल
मन की बात ही करूंगा, मेरे मन में जो चीजें जो आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मनोज जी आप कौन से बैच के हैं? 86। ओके, मैं मनोज जी 1982 बैच से हूं। जी ख्याल होगा कि 79 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब ये एग्जाम का पैटर्न सारा चेंज हो गया था, प्रिलिमिनरी और मेन सारे आ गए थे, तो 81 एग्जाम मेरा था और उसके बाद कोइंसिडेंटली मैंने 82 का एग्जाम भी क्लियर किया, लेकिन दोनों बार मैं एलाइड सर्विसेज में आया था, आई गॉट अलॉटेड इंडियन पोस्टल सर्विस। आपको ख्याल होगा उसमें जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ा करते थे, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन हमें बताया गया था कि आप सबसे पहले प्रीलिमिनरी या मेन को अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की 5th या 8th की बुक्स पढ़िए या 8th और 10th की बुक्स पढ़िए, ठीक है कि नहीं? जी जी। इससे पहले भी जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तो इंडियन हिस्ट्री जो बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में या जो सिलेबस का हिस्सा था वही हम जो है हम पढ़ा करते थे। एंड स्पेशली इफ आई से दैट द पर्टिकुलर नेम ऑफ द ऑथर्स, विपिन चंद्र पाल की बुक होती थी, रोमिला थापर भी होती थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी होती थी, मेरे मन में एक दुविधा आ गई। ये सबसे मैं जब से ये आपका ये व्याख्यान सुन रहा हूँ, 35-40 साल से जो हम इतिहास या बचपन से लेकर जो आज तक हम इतिहास पढ़ते आए हैं, हमने अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा, हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया यही इतिहास, ठीक है? अब अगर वो इतिहास इतिहास नहीं था या डिस्टॉर्टेड था या पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या जो कुछ भी कैसे भी था, और आज अगर मैं जिंदगी के इस मोड़ पर आकर सोचूं कि वो 40-45 साल से मैं जिस एंगल से इतिहास को पढ़ रहा था, आई शुड फॉरगेट इट एंड स्टार्ट रीडिंग द हिस्ट्री फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, मेरे मन में जो है एक बहुत दुविधा सी आ रही है। आप मेरी पीड़ा भी समझ रहे होंगे, मेरी बात भी समझ रहे होंगे, दुविधा भी आ रही है, कंफ्यूजन भी हो रहा है, और उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं धीरे धीरे टॉपिक की तरफ को भी लेकर आऊंगा अपने अपने मन में, मन की बात के साथ, कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आल्सो, आप लोग आशुतोष जी और बहुत सारे लोग जो है ये जो हिस्ट्री का एक 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 चीज हमारे सामने रख रहे हैं, हम उसको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हम इन चीजों को अच्छी तरह से फॉलो भी कर रहे हैं, और हम काफी हद तक जो है आप लोगों की बात के साथ सहमत भी हो रहे हैं कि जो हमें इतिहास बताया गया वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं जो है अब मैं एक नए सिरे से इतिहास को पढ़ना शुरू करूं, वो पढ़ते पढ़ते मेरे को फिर 5-10 साल 15 साल लगेंगे, अब उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको पढ़ भी लेता हूं उस एंगल से, बट द क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड, सपोजिंग दैट देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर 10 इयर्स, सपोजिंग देयर इज नो बीजेपी आरएसएस, सपोज देयर इज समबडी एल्स इज देयर, विल दे स्टार्ट राइटिंग द हिस्ट्री फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर एंगल? इट इज पॉसिबल, क्योंकि आप लोगों ने एक बात कही की थी, जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से इतिहास लिखवाता है, चाहे वो जो है वो बाबरनामा आता, चाहे वो फिरदौसी का था, चाहे वो किसी का था, तो उसमें वो एंगल वो रहेगा। लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर और में आशुतोष जी के साथ मिलकर जो हमें एक बात हमें समझ में आई है कि हमारे जो महान ग्रंथ है, इन महान ग्रंथों में जो ज्ञान इतना फैला हुआ है, हम तो उसकी एक बूंद भी नहीं पा पाए, इतिहास की तो क्या बात है। उससे मेरे को छटपटाहट हो जाती है। आपने जैसे ये एग्जांपल दी थी वाल्मीकि रामायण में 80 तरह के उनके, और बिल्कुल आपने 100% सही बोला था कि इट वाज ए टेस्ट ऑफ श्री राम, एंड वंस ही न्यू दैट ही हैज द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी एंड द एटीट्यूड एंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली ही गेव विश्वामित्र उनको पूरी जो है वो पूरी नॉलेज जो है पास ऑन की, और उसमें मिसाइल्स, एंटी मिसाइल्स, ऑल तरह के वेपन्स के बारे में नॉलेज दी। अब ये इसके अलावा जितनी भी हमारे ग्रंथों में फिलॉसफी है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, जिस चीज का साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, ज्योग्राफी है, जिस चीज का नाम ले लो उसके महाभंडार है, उनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला। हमारी सारी उम्र हो गई, मुझे रिटायर हुए भी 4 साल हो गए, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। अब मेरे को कहा जाता कि अच्छा ऐसा करो इनको पढ़ो, भाई मुझे 60 साल से क्यों नहीं ये चीजें बताई गई, किसने नहीं बताई,
when I went to the school, and it's not, jab main apni baat karunga, it is basically meant for the whole generation or a number of generations. We were told that you have got to take the one optional subject. You can choose either Sanskrit or drawing. Firstly, why there was an option that you should choose either Sanskrit or drawing? It should have been that you have to choose Sanskrit. Wo kisi ne nahi kaha. तो उसमें हमें कहा गया कि यार ऐसा है, संस्कृत थोड़ी मुश्किल होती है, आप ऐसा करो ड्राइंग ले लो, थोड़ी बहुत ऐसे कागज के ऊपर बनानी है और आपके इतने नंबर आ जाएंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट हमारा सबका जो है अपब्रिंगिंग ही कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड रहा है. हु इज टू बी ब्लेम्ड, हु इज टू बी ब्लेम्ड? नो, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि रोमिला थापर ने ये डिस्टॉर्टेड वर्षन दिया, कम्युनिस्टों ने ऐसा दिया, उन्होंने दिया, लेकिन ये इतने हजारों सालों से हमारे महाग्रंथों में पड़ा हुआ जो ज्ञान था वो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन क्यों नहीं हुआ? इससे जो है मेरे को, मेरे मन में छटपटाहट तो और पीड़ा होती है. और उससे मुझे ये लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको एक ऐसा प्रोफेशन बना लिया कि इसको एक कमाई का जरिया बना लिया. और आज भी ऐसा हो रहा है, चाहे वो कोरोना से पहले जो है वो फिजिकली होता था, बाद में वो ऑनलाइन हो गया, कि प्रवचन हो रहे हैं लेकिन उसकी फिलॉसफी उभर कर सामने नहीं आ रही. अब आपने मनोज जी इस फिलॉसफी को जिस दृष्टि से, जिस एंगल से उभार कर सामने रखा है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. मुझे नहीं मालूम था कि आपने ये बुक लिखी है, डेफिनेटली आई विल बाय द बुक एंड रीड आल्सो, लेकिन आपने जो एंगल बताए हैं इन सारे एंगल के बारे में हमें मालूम ही नहीं था. ओके, ये तो आपने रिसर्च की कि हमें मालूम नहीं था. मेरा फिर बेसिक सवाल वही आता है, वाल्मीकि रामायण को कितनों ने पढ़ा है, महाभारत को कितनों ने पढ़ा है? एक हमने एक वेबिनार किया था, भीष्म पितामह प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस. अबे गुड गवर्नेंस जो है या रामराज्य जो है वो तो रामायण और महाभारत में पड़ी हुई है. ना उसको हम पढ़ रहे हैं, ना उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम किससे कहानियों में उलझ उलझ कर लोगों को जो है चमत्कार में उलझा रहे हैं. तो मेरा आपसे यही है कि आपने ये जो बीड़ा उठाया है ये बहुत बढ़िया है. एंड आई एम डेफिनेटली आई एम ईगर टू गो थ्रू योर बुक एंड वेट फॉर योर नेक्स्ट बुक आल्सो. लेकिन सवाल यही है कि इन सारी चीजों को उभार कर सामने लाना ये हमारा और आप सबका फर्ज बनता है. मैंने और आशुतोष जी ने एक बीड़ा उठाया है, आपने ये बीड़ा उठाया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सारी चीज में लगे हुए हैं. अब इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग, मैं इफ आई मे यूज द वर्ड क्रूड, ये कथावाचकों ने लोगों को परलोक के चक्कर में फिलॉसफी को जो है नीचे डलवा दिया, विजडम को पीछे कर दिया, उसमें जो है जो एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें थी उनको जो है एक चमत्कार के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, ना कि ज्ञान के तौर पर, ना कि नॉलेज के तौर पर. तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता था कि ये आपने जो आज एक्सप्लेन किया है इतना अच्छा लगा सुनकर. मैं तो फौजी आदमी हूँ और हफ्ते में 3 दिन सुबह गोल्फ भी खेलने जाता हूँ. गोल्फ की खेत गेम खत्म की 10:15 बजे, दौड़ा दौड़ा आया फुल स्पीड में, साले चाहे चलान हो जाए, मनोज जी का वाइपर शुरू होने वाला है 10:30 बजे और आशुतोष जी के पास मेरी कॉल का रिकॉर्ड है. मैंने कहा मैं घर पहुंचने जा रहा हूँ, नहाऊंगा बाद में, पहले मनोज जी का ये वेबिनार सुन. सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू. आई डोंट नो व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, वेदर आई हैव कम्युनिकेटेड प्रॉपरली और नॉट, बट ऑन बिहाफ ऑफ द डॉक्टर आशुतोष एंड ऑल द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट हियर, वी एक्सटेंड अवर सिंसियर थैंक्स टू मनोज जी. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद मेजर जनरल साहब, बहुत सही बात आपने कही. इन वेबिनार्स का, इन एक्सपोजर्स का मतलब यही होता है कि हमारी पीड़ा घनीभूत हो. हमारी पीड़ा जितनी सशक्त होगी, जितनी घनीभूत होगी, उतना ही मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य जो है ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सफल होगा. बहुत सारी बातें हमें नहीं पता होती, हम मानते रहते हैं, लेकिन जानने की जो, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ और मैं जनरल साहब की बात से और मनोज जी की बात से भी सहमत हूँ कि भारतीयता को हमें परिभाषित करना चाहिए था ज्ञान से, जानने से, इंक्वायरी से, सेंस ऑफ इंक्वायरी से ही भारतीयता को हम परिभाषित करने का प्रयास करते रहे हैं और करना चाहिए भी. मानने का यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन ऊपरी दबावों के कारण और बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से हो क्या गया कि जो जानने की इच्छा थी वो मानने में चली गई. और जब हमने मानना शुरू कर दिया तो हमारी परंपरा अवरुद्ध हो गई, हमारे जो स्रोत थे वो सूखने शुरू हो गए. इसलिए ये अब मौका है
जितनी तकलीफ हम सभी अनुभव करेंगे, जितना कष्ट अनुभव करेंगे कि यार हम जो जानते हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसको और अधिक विकसित करना है और लोगों के साथ भी साझा करना है, और उसमें क्रिटिसिज्म भी ओपन है, उसमें नई संभावनाओं की तलाश करना भी सम्मिलित है। इन सब बातों को मिलाकर के हम निरंतर अग्रसर हों, यही बात को ध्यान में रखते हुए हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और अगले हफ्ते में बहुत संभावित है दो लेक्चर्स हमारे रहेंगे, एक तो बुद्धिज्म के ऊपर रहेगा अविनाश जी का, और साथ ही मैं प्रयास करूंगा कि जो हेल्थ और फूड के ऊपर जो है कि एंशिएंट इंडियन जो विजडम रही है और जो फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस में रही है उसके ऊपर हम चर्चाएं करें, तो प्रयास रहेगा। अगले हफ्ते में हम लोग फिर पुनः मिलेंगे, बातचीत करेंगे और नई दिशाओं की तलाश करेंगे और उसमें अग्रसर होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्रति मेरा आभार है, और निश्चित रूप से आप लोगों ने जितना समय दिया है, जितनी एनर्जी दी है, जितना अपना योगदान दिया है उसको मैं स्मरण रखूंगा। तो पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नाउ यू कैन मीट। धन्यवाद सर, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। देख लीजिए किसी ने कोई फॉर्म ना भरा हो तो कृपया मुझे आप बता सकते हैं। अच्छा जी।